嗯。<laughs> हेलो नमस्कार एवरीवन वेलकम टू खान ग्लोबल स्टडीज़ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे साथ आपके आज के सेशन में जल्दी से आ जाएंगे आप सभी एक बार सेशन को ज्वाइन कर लेंगे फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं आपके आज के सेशन को गुड uh, मॉर्निंग सभी स्टूडेंट्स को बच्चे फटाफट से आ जाओ फिर शुरू करते हैं तो पता है आपको आज हम लोग मंथली करने वाले हैं सुनो आज हम लोग एक से चौबीस फरवरी तक मतलब अब तक फरवरी में जो जो चीज़ें हुई हैं उसका रिविजन हम लोग करने वाले हैं जो जो चीज़ें आपने पढ़ी हैं वो हम लोग करेंगे ठीक है सो एक बार फटाफट से आप लोग आ जाएंगे और यस uh, तो yes. so, जल्दी से आ जाइए एक बार सेशन को ज्वाइन कर लीजिए फिर स्टार्ट करते हैं ठीक है सो मंथली सी ये हम लोग कर रहे हैं ठीक है मेजॉरिटी ऑफ चीज़ें आपकी हो चुकी हैं जल्दी से एक बार आ जाओ शुरू करते हैं और मुझे बता देंगे कि आवाज़ और वीडियो सब कुछ क्लियर है कि नहीं है वेरी गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सभी स्टूडेंट्स को गुड मॉर्निंग रूपम गुड मॉर्निंग शिबा गुड मॉर्निंग सम्राट दरबार जय माता दी गुड मॉर्निंग शशांक अंकुर कीप गोइंग गुड मॉर्निंग थैंक यू आर्यन गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग निशी रोशनी कविता सरित गुड मॉर्निंग रविनेश गोपाल मुस्कान विशाल वेरी गुड मॉर्निंग बच्चे सभी को जल्दी से आ जाओ तैयार है सब लोग रिविजन करके आयो सब जितना भी पढ़ा है है रिविजन किया है सबने आई होप रिविजन किया होगा है ना तो सबको पता है कि कैसे सेशन होता है फटाफट से आंसर करना है और हम लोग करते हुए चलेंगे गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सौरभ गुड मॉर्निंग दिलीप शिखा वेरी गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग नितेश विनीता चलो ओके okay, सबने रिवीजन किया है चलो सेशन को स्टार्ट करते हैं आवाज वगैरह सब कुछ क्लियर है चलिए ऑल राइट चलो फटाफट -फट सब सेशन को स्टार्ट करते हैं सवालों पे जंप करेंगे और देखते हैं कि पहला सवाल क्या है सो फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे भ्रष्ट देश है सबसे करप्ट कंट्री कौन सी हो जाती है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट करप्ट कंट्री इन द वर्ल्ड है ना सो so, ये प्रश्न आपसे किस संदर्भ में, में पूछा गया है ये भी आपको पता है आपका करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जो है वो लॉन्च किया गया था फरवरी के महीने में शुरुआत नहीं याद करो सो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जो लॉन्च किया गया था वहीं से ये क्वेश्चन पूछा है कि बताइए सबसे करप्ट देश जो है वो कौन सा हो जाता है सीपीआई इसे हम लोग लिख सकते हैं है ना सो सीपीआई की अगर हम बात करते हैं हैं, तो सबसे करप देश कौन सा हो जाता है वेरी गुड सोमालिया हो जाता है सॉरी तो सोमालिया हो जाता है सबसे करप्ट कंट्री और कौन से रैंक पर आ जाता है बच्चे वन रैंक पर आ जाता है कि भाई यहां पर भ्रष्टाचार जो है वो सबसे ज्यादा है इसके अलावा इंडिया की हम यहां पर बात करते हैं भारत की बात करें तो भारत करप्शन के इस इंडेक्स में कौन से रैंक पर आता है तो भारत बच्चे यहां पर आता है कौन से रैंक पर नाइनटी रैंक पर जो है भारत आपका आ जाता है साथ साथ में बात करें तो इंडेक्स को टॉप किसने किया है टॉप उसी देश ने किया है जहां पर भ्रष्टाचार कम है सो so, कम भ्रष्टाचार यानी कि फर्स्ट पोजीशन पर कौन सा नेशन आ जाएगा तो पहले स्थान पर आ जाएगा डेनमार्क ठीक है ये आपका इंडेक्स का नाम आ जाता है पूछा रहा है कि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स लॉन्च किसने किया है है ना ये लॉन्च किसने किया है अगर हम बात करते हैं तो ये लॉन्च किया है आपका ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा ये इंडेक्स आपका लॉन्च किया गया है है ना तो एग्जाम में आपसे इंडेक्स से प्रश्न बिल्कुल पूछा जा सकता है तो ध्यान रखना है करप्शन इंडेक्स आपका थोड़ा डिफरेंट भी हो जाता है इंपॉर्टेंट भी हो जाता है तो एग्जामिनर पूछ सकता है ठीक है सो सही आंसर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सोमालिया है ना चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं क्लियर है ऑप्शन सी सोमालिया सही आंसर हो जाएगा अगले प्रश्न पर आते हैं अगले प्रश्न में क्या कहा गया है भारतीय दूर संचार नियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है हु वाज अपॉइंटेड एज द चेयर ऑफ द टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया टी आर ए आई की अगर हम बात करते हैं तो इसके जो है ना अध्यक्ष के तौर पर किसे चुना गया है प्रदीप कुमार दास प्रकाश श्रीवास्तव अनिल कुमार लाहौटी या फिर अनिश शाह रिसेंटली अगर हम बात करते हैं तो किसको चुना गया है वेरी गुड बच्चे अनिल कुमार लाहौटी को बनाया गया है टी आर ए आई का क्या बनाया गया है इनको अध्यक्ष बनाया गया है अनिल कुमार लाहौटी इससे पहले जो है ना क्या है रेलवे बोर्ड के आद के पूर्व चेयरमैन और सीईओ जो है क्या है फॉर्मर सीईओ और चेयरमैन जो है आज के रह चुके थे और इनको अभी रिसेंटली कौन सा डिपार्टमेंट दिया गया है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया का डिपार्टमेंट जो है इनको क्या है सौंपा गया है इनकी यहाँ पर नियुक्ति जो है वो तीन साल के लिए थ्री इयर्स के लिए की गई है तीन साल के लिए इनको यहाँ पर नियुक्त किया गया है तो भारत का जो दूर डिपार्टमेंट है पूरा का पूरा जो सेक्टर है दूर उसको रेगुलेट करने की हमारी अथॉरिटी है ये प्राधिकरण है और इसे कौन हेड करेंगे इसे हेड करेंगे अब अब से अनिल कुमार लाहौटी है ना सो so, सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी अनिल कुमार लाहौटी सही आंसर आपका हो जाता है है ना चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हाँ अभी है जया वर्मा है ना जिसने भी लिखा था वर्मा सो so अभी रिसेंटली अभी करेंटली हमारी रेलवे बोर्ड की सीईओ और पर्सन जया वर्मा है है ना जया वर्मा सिन्हा आगे आते हैं निम्नलिखित में से कौन सा विश्व ये तो हो गया आगे आते हैं सॉरी Yes, आगे आते हैं हर वर्ष भारतीय तटरक्षक दिवस जो है वो कब मनाया जाता है इंडियन कोस्ट गार्ड डे हर साल कब आता है इंडियन कोस्ट गार्ड डे की अगर बात करें तो कब मनाया जाता है इंडियन कोस्ट गार्ड डे इंडियन कोस्ट गार्ड डे कब आता है तो याद रखेंगे कि फरवरी की पहली ही तारीख को जो है इंडियन कोस्ट गार्ड डे आपका मनाया जाता है फर्स्ट ऑफ फेबर को मनाया जाता है इंडियन कोस्ट गार्ड डे राइट और इंडियन कोस्ट गार्ड की अगर हम बात करें तो ये कौन से वर्ष में स्थापित हुआ है तो आप बोलेंगे कि नाइनटीन 7 को जो है स्थापित हुआ है एक फरवरी को है है है, है है ना ना आईसीजी एक्ट जो आपका इंडियन कोस्ट गार्ड एक्ट जो है, है। साथ साथ तो -फट महानिदेशक कौन हो जाते हैं वेरी गुड साक्षी इस साल हमने 48th जो है न, क्या है, इसका? Uh, जो है वो मनाया और वेरी गुड दरबार डीजी कौन हो जाते हैं तो डीजी हो जाते हैं यहाँ पर राकेश पाल हो जाते हैं है ना? और कौन से मंत्रालय के तहत आ जाता है इंडियन कोस्ट गार्ड तो इंडियन कोस्ट गार्ड हमारा कौन से मंत्रालय के तहत है. है so, हर साल मनाया जाएगा वयम रक्षा इसका मोटो हो जाता है वी प्रोटेक्ट इसका मोटो या आदर्श वाक्य जो है वो हो जाता है तो so, सही उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए फर्स्ट ऑफ फेबर अगले प्रश्न पर आते हैं पुरुष हॉकी फाइव फेस एफ आई एच कप दो के देश ने जीता है भारत कुवेत नीदरलैंड मलेशिया सो फाइफेस आपको पता है कि शॉर्ट वर्जन होता है हॉकी का जिसमें पांच खिलाड़ी होते हैं जिसमें से एक गोलकीपर और बाकी प्लेयर्स आपके रहते हैं तो फाइव फेस्ट यानी कि ये प्लेयर्स की बात की जा रही है तो ये जो वर्ल्ड कप अभी हाल ही में हुआ है इसमें जीता कौन है तो जीता कौन है नीदरलैंड वेरी गुड सही आंसर क्या हो जाएगा नीदरलैंड इसमें जीता है है ना सो फाइव फेस एफ आई

पर ही रह गया था है ना साथ साथ में हमने वेमेन्स वाला भी पढ़ा है कि ये पुरुष हॉकी रहा तो मेन की श्रेणी में भी सेम आपका टूर्नामेंट किया गया था इसमें भी कौन सी टीम जीती थी तो इसमें भी नीदरलैंड जी जीती थी और यहां पर फाइनल्स में जो है रनर अप कौन रही थी इंडिया जो है यहां पर आपको रनर अप यानी कि पर देखने को मिली थी तो वुमेन्स वाले में इंडिया सेकेंड पोजिशन पर थी मेन्स वाले में फिफ्थ पोजिशन पर थी दोनों में ही विनर कौन हो जाता है नीदरलैंड हो जाता है दोनों की होस्टिंग एक ही जगह हुई है मस्कट ओमान में हुई है और किसके द्वारा हुई है FIH इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के द्वारा FIH के हेड क्वार्टर्स कहां पर है फटाफट से आंसर कर देंगे FIH के हेड क्वार्टर्स कहां पर है फटाफट से बताएंगे इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन जो है इसके हेड क्वार्टर्स कहां हो जाते हैं जल्दी से आंसर करेंगे यस yes. कहां हो जाते हैं लोजानें स्विट्जरलैंड में क्या है इसके हेडक्वार्टर हो जाते हैं ठीक है चलो सो ऑप्शन सी नीदरलैंड करेक्ट आंसर होता है अगले प्रश्न पर आते हैं विश्व वेटलैंड दिवस कब मनाया जाता है और इसकी थीम इस साल की क्या रही है तीन चार शब्दों की थीम रही है इंपॉर्टेंट है एग्जामिनर पूछ सकता है फटाफट से बताएंगे है ना वर्ल्ड वेटलैंड डे विश्व आद्र भूमि दिवस या विश्व वेटलैंड डे की अगर हम बात करते हैं तो वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाया जाता है हर साल फरवरी की दूसरी तारीख को सो सेकेंड ऑफ फेब्रवरी सही आंसर हो जाएगा और इस साल की थीम क्या हो जाती है वेरी गुड मृत्यु वेटलैंड एंड ह्यूमन वेलबींग क्या हो जाती है वेटलैंड एंड ह्यूमन वेलबींग इस साल की थीम हो जाती है वेटलैंड्स एंड और... ल बींग यानी कि आर्द्र भूमि और मानव कल्याण है ना आर्द्र भूमि और मानव कल्याण क्या है इस साल का विषय है वर्ल्ड वेटलैंड डे का क्यों मनाया जाता है वर्ल्ड वेटलैंड डे याद किया जाता है आपका रामसर कन्वेंशन है ना रामसर कन्वेंशन याद किया जाता है रामसर रामसर कन्वेंशन जो है है ना ये कहाँ कहा पर साइन हुआ था रामसर में साइन हुआ था रामसर शहर आ जाता है आपका जो की ईरान में है इसीलिए रामसर कन्वेंशन

अगर हम पूछें तो कम है हमारे पास कितने हो जाते हैं 80 वेरी गुड तो हमारे पास 80 जो है ना रामसर स्थल हो चुके हैं पहले हमारे पास 75 थे इसमें प्लस 5 जो है ना आपके रामसर से साइट्स अभी हुए हैं है ना सो so ये भी फरवरी की ही न्यूज़ है कि पांच नए रामसर स्थल जो हैं वो जुड़े हैं जिसमें से तीन जो है ना वो कर्नाटक से हैं है ना तीन जो है वो कर्नाटक से हैं और दो जो है वो कहाँ से हैं वो है तमिलनाडु से तो पांच जो है ना नए रामसर साइस फरवरी 2024 में जो है ना जुड़े हैं जिसके बाद हमारे पास टोटल रामसर साइट्स कितने हो गए 80 हो गए गए हैं? हैं। 80 अभी अगर हम बात करते हैं तो सबसे ज्यादा रामसर साइट्स किसके पास हो जाते हैं सबसे ज्यादा रामसर स्थल जो है वो किस राज्य के पास हो जाते हैं तो वो बच्चे हो जाते हैं किसके पास तमिलनाडु के पास है ना तमिलनाडु के पास हो जाते हैं कितने सोला टाइगर तो सॉरी सोलह आपके रामसर साइट्स हो जाते हैं है ना यहाँ पर अगर बात करें तो अभी अगर कोई पूछे कि कितने रामसर साइट्स हैं तो अब हमारे पास अस्सी के पास है थे और दो आपके तमिलनाडु के थे राइट सो so, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा एटी आगे आते हैं फरवरी दो तक कितने लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है हाउ मेनी विद द भारत रत्न फेब्रुरी ट्वेंटी 2024 अगर हम प्रेजेंट के हिसाब से बात करें तो अभी तक कितने भारत रत्न जो है प्राप्तकर्ता हो चुके हैं सम्मानित जिनको किया गया है सो बच्चे, करेक्ट क्या हो जाएगा 53 हो जाएगा है ना अगर हम बात करते हैं तो इस साल यानी कि साल 2024 में साल 2024 में जो है ना कितने लोगों को जो है ना भारत रत्न मिला है तो पांच लोगों को जो है क्या है भारत रत्न से सम्मानित किया गया है पहली बार ऐसा हुआ है कि एक वर्ष में पांच लोगों को भारत रत्न दिया गया है तो ये हो जाता है मैक्सिमम मैक्सिमम पांच लोगों को अभी तक जो दिया गया है वो इसी साल दिया गया है है ना किस किस को दिया है एक बार ये भी देख लेते हैं तो सबसे पहले अनाउंसमेंट की गई थी कर्पूरी ठाकुर की कर्पूरी ठाकुर की बात करें तो बिहार के जो है फॉर्मर सीएम हो जाते हैं पूर्व जो है ना क्या हो जाते हैं आपके मुख्यमंत्री हो जाते हैं कर्पूरी ठाकुर की घोषणा की गई उसके बाद घोषणा की गई लाल कृष्ण आडवाणी जी की जो कि बीजेपी के सीनियर लीडर भी हैं को फाउंडर भी आप कह सकते हैं है ना लालकृष्ण आडवाणी हो जाते हैं आरएसएस के भी मेंबर हैं उसके बाद तीन लोगों की घोषणा की गई जिसमें थे दो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स पी नरसिम्हा राव पीवी नरसिम्हा राव हो जाते हैं और इसके साथ साथ कौन हो जाते हैं चौधरी चरण सिंह हो जाते हैं जो भाई किसानों के लिए कार्य करने के लिए जाने जाते हैं और साथ साथ में पांचवे कौन हो जाते हैं हो जाते हैं एम एस स्वामीनाथन हो जाते हैं है ना कौन हो जाते हैं एमएस स्वामीनाथन जिनको भारत में फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है है ना जुनेश भारत में जो है हरित क्रांति के जनक के तौर पर जाना जाता है सो पांच लोगों को दो में भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, टोटल अभी तक 53 हो गए हैं इस साल बात करें तो लाल कृष्ण आडवाणी को छोड़कर सभी की मृत्यु हो चुकी है तो यानी कि सभी को पोस्टूमसली मरणोपरांत मृत्यु के बाद जो है ये पुरस्कार दिया गया है पुरस्कार की स्थापना 1954 में हुई है इसमें कोई मॉनेटरी ग्रांट नहीं दिया जाता है कोई इसमें राशि नहीं होती है ये बात आप सबको पता है है ना अब तक सबसे यंगस्ट जो रिसीपिएंट है वो कौन हो जाते हैं भारत रत्न के सबको पता है जल्दी से बता दो सबसे यंगेस्ट सबसे कम उम्र में जिनको भारत रत्न मिला है वो कौन हो जाते हैं बच्चे फटाफट से बताएंगे यस संजय कौन हो जाते हैं सचिन तेंदुलकर हो जाते हैं है ना सचिन तेंदुलकर हो जाते हैं अच्छा इसके साथ साथ एक फैक्ट और अगर हम पढ़े कई सारे फैक्ट हमने क्लास में वैसे कवर किए हैं सारी बातें पढ़ी है लेकिन अगर पोस्टिवसली की बात की जाए तो मरणोपरांत जो है सबसे पहली बार किस व्यक्ति को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था पहली बार ऐसा कब हुआ था कि व्यक्ति को मृत्यु के बाद जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया था वो कौन थे जिनको पहली बार पुरस्कार वो हो जाते लाल बहादुर शास्त्री।, शास्त्री पहले ऐसे व्यक्ति थे जिनको मरने के बाद मरणोपरांत जो है भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था यंगेस्ट तो आप सबको पता है इससे पहले जो है 2019 में दिया गया था तीन लोगों को और जब सबसे पहली बार दिया गया था तब भी तीन लोगों को दिया गया था भारत रत्न है ना चलो सो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए 53 बाकी कई सारी चीजें हमने क्लास में भी पढ़ी हुई हैं अब आगे आते हैं स्वतंत्रता के बाद समान नागरिक संहिता पारित करने वाला पहला राज्य कौन सा है हिमाचल उत्तराखंड उत्तर प्रदेश हरियाणा कौन सा राज्य है जिसने अभी रिसेंटली यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो पास किया है सो इसके बारे में हमने सारी चीजें डिटेल में पढ़ी हुई है अभी रिसेंटली जो है कहां पर वेरी गुड उत्तराखंड में है ना कहां पर उत्तराखंड में जो है इंडिपेंडेंस के बाद है ना पहला राज्य बन गया है उत्तराखंड जहां पर आजादी के बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड को इंप्लीमेंट किया गया So, आजादी के बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला कौन सा हो जाता है उत्तराखंड हो जाता है है ना और इसके अलावा हमने क्या पढ़ा था फर्स्ट वेरी गुड यश फर्स्ट कौन सा हो जाता है एक्चुअली गोवा गोवा है है ना Goa की अगर हम बात करते हैं तो हमने यही पढ़ा था कि पर पोर्टुगीज क्योंकि शासन किया करते थे है ना, तो पर पहले से ही जो है ना जब पोर्तुगीज चले भी गए तो ये जो पोर्तुगीज का सिविल कोड है वो कंटिन्यू रहा उसे बंद नहीं किया गया तो गोवा में जो है पहले से ही चला आ रहा है राइट आजादी के बाद उत्तराखंड पहला राज्य हो जाता है जिसने इसके लिए वही कानून बाकायदा जो है लाया पास करवाया गवर्नर ने इसे मंजूरी दी और फिर इसे लागू किया गया है है ना जब हमारी सरकार बनी है उत्तराखंड है यूनिफॉर्म सिविल कोड का अगर हम बात करते हैं तो कौन से आर्टिकल में जिक्र किया गया है यूनिफॉर्म सिविल कोड का जल्दी से हम्म और ये आया कहां से है यस आर्टिकल फोर्टी फोर है ना आर्टिकल फोर्टी फोर हमारे पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट फोर में जो है डीपीएसवी में 44 में आर्टिकल इसका जिक्र है इसके साथ साथ अगर बात करें तो ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है समान नागरिक संहिता ये लिया कहां से गया है तो ये जो है ना फ्रेंच जो सिविल कोड लिया गया है एटीन जीरो फोर एटीन जीरो सेवन के आसपास से फ्रेंट संहिता से इसे जो है लिया गया है ना 1804 से यस तो वहां से इसे लिया गया है और सिंपल आपको पता है इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि भाई धर्म जात पात और इन सबके इन सबको परे रख के जो है सभी सिटीजन के लिए कानून जो है वो बराबर होंगे यहां पर मुख्य तौर तो से कुछ सब्जेक्ट हमने पढ़े थे जैसे प्रॉपर्टी की बात आ गई तो प्रॉपर्टी किसको दी जाएगी है ना शादी की बात आ गई आगे सक्सेशन की बात आ गई तो ये सारे छोटे छोटे मुद्दे हैं जो कि यहाँ पे डिस्कस किए गए हैं तो कानून जो है वो सबके लिए यूनिफॉर्म रहेगा समान रहेगा तो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड उत्तराखंड में भी रिसेंटली लागू किया गया है आगे आते हैं हाल ही में महागौरव दो पुरस्कार से किसे सम्मानित <clears throat> किया गया है रंजन गोगोई नवीन तिवारी निखिल वाघ या फिर दोनों को किया गया है सो so, महागौरव सम्मान है आपका है ना महागौरव सम्मान है अगर महागौरव अवार्ड की बात की जाए तो यह अभी हाल ही में किसके किसे सम्मानित किया गया है सीधा सीधा सवाल है किसे सम्मानित किया गया है भाई निखिल वाघ को किया गया है जो भी सी लिख रहे हैं वो ठीक लिख रहे हैं उसके अलावा गलत है बच्चे आंसर सो so, निखिल वाघ सही आंसर हो जाएगा ध्यान रखना है निखिल वाघ की अगर हम बात करें तो ये गोवा शिपयार्ड लिमिटेड से जो है जुड़े हुए हैं इसके पब्लिक रिलेशन ऑफिसर हैं है ना तो पब्लिक रिलेशन की फील्ड के लिए जो है ये पुरस्कार आपका दिया गया है महागौरव अवार्ड रिसेंटली किसे दिया गया है निखिल वाघ को दिया गया है इसके अलावा रंजन गोगोई को भी जो कि हमारे फॉर्मर सीजीआई हैं इनको भी क्या है आपका अवार्ड दिया गया है कौन सा पुरस्कार इनको इसी महीने दिया गया है किसने लिखा है वेरी गुड सूरज बिल्कुल सही लिखा है अगर बात की जाए तो रंजन गोगोई को, को कौन सा असम असोम वैभव पुरस्कार से जो है ना क्या है सम्मानित इनको अभी हाल ही में किया गया था असोम वैभव पुरस्कार से इनको भी सम्मानित किया गया था और नवीन तिवारी की बात करते हैं तो ये कहां से लिए गए हैं इनको लिया गया है उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से है ना उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान की अगर हम बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से नवीन तिवारी को इस साल प्लस इनके साथ जो है ना ऋतु करिधल भी थी इन दोनों को यूपी गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया था, था, था। है ना इसी आ, साल किया गया था और असोम वैभव से रंजन गोगोई को महागौरव अवार्ड अभी रिसेंटली निखिल चैंपियनशिप जो है वो जीती है फर्स्ट एवर एक्वेटिक चैंपियनशिप किसके द्वारा इसमें से जीती गई है इंडिया म्यांमार थाईलैंड या फिर बांग्लादेश यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा आपका इंडिया वेरी गुड सो यहाँ पर अगर बात करें तो भाई इंडिया ने जो है सबसे ज्यादा मेडल्स यहाँ पर जीते हैं और इंडिया यहाँ पर टॉप पर रहा है फर्स्ट पोजीशन पर रहा है इसमें इंडिया सेकंड पोजीशन पर रहा है श्रीलंका थर्ड पोजीशन पर रहा है थाईलैंड है ना थर्ड पोजीशन पर रहा है थाईलैंड रहा है अच्छा बिम्स्टेक चैंपियनशिप हुई है कहां हुई है सबसे पहली बार तो ध्यान रखना है कि नई दिल्ली में इस चैंपियनशिप को आयोजित किया गया है बिम्स्टेक आपने पढ़ा है बिम्स्टेक की अगर हम बात करें बे ऑफ बंगाल मल्टी सेक्टोरल इनिशिएटिव फॉर टेक्निकल And उनके बीच आयोजित आपकी की गई थी की बात अगर हम लोग करते हैं तो इसमें सदस्य कितने आ जाते हैं बच्चे इसमें कितने में आ जाते हैं जिनके बीचियनशिप खेली गई है तो टोटल कितने मेंबर्स आ जाते हैं नाइनटीन नाइनटी सेवन में स्थापित हुआ है बिल्कुल सही है इसके साथ साथ बात करें तो मेम्बर्स कितने आ जाते हैं सो so मेंबर्स बच्चे मेंबर्स जो है ना मेंबर्स <coughs> जो है ना वो सेवन है टेन नहीं है है ना सात सदस्य इसमें आपके आ जाते हैं कुछ टेन लिख रहे हैं तो यहाँ पर सेवन मेंबर्स आते हैं बिमस्टेक के अंदर तो यहां पर अगर बात की जाए तो ऑप्शन ए इंडिया आंसर हो जाएगा इंडिया ने यहां पर सबसे ज्यादा इस चैंपियनशिप में मेडल्स जो है वो जीते आगे आते हैं विश्व सरकार शिखर सम्मेलन का मेजबान कौन सा देश है भारत इसराइल यूएसए या फिर यू वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट अभी रिसेंटली हुआ है बहुत इंपॉर्टेंट ये समिट रहा है क्योंकि बहुत सारी चीजें अभी रिसेंटली हमें यहाँ पे देखने को मिली है तो ये जो समिट हुआ है वो कहा हुआ है बिल्कुल सही सही उत्तर क्या हो जाएगा यू ए में किया गया है है ना तो so, इसकी थीम क्या रही थी इसके विषय की अगर हम बात करते हैं तो इसका विषय क्या रहा था शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट जो है इसका विषय रखा गया था <coughs> शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स जो है क्या है इसका थीम जो है बच्चे रखा गया था इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं तो इस साल जो गेस्ट ऑफ ऑनर थे वो तीन नेशंस थे कौन से कौन से थे गेस्ट ऑफ ऑनर सम्मानित अतिथि के तौर पर तीन देशों को आमंत्रित किया गया था भारत तो था ही कोर्स है ना भारत की तरफ से जो है आपके पीएम मोदी जो है वो गए थे है ना हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे तो यहां पर अगर बात की जाए यस कौन से कौन से हो जाते हैं अहम कतर तुर्की और इंडिया यस बच्चे, कतर कौन से कौन से हो जाते हैं कतर तुर्की और इंडिया है ना तो ये तीन नेशंस हो जाते हैं गेस्ट ऑफ आपके पर इन तीन नेशंस को बुलाया गया था तो ये समिट आपका हुआ है यहाँ पर कई सारी चीजें आपकी और भी हुई हैं यहाँ पर पहली बात तो करेक्ट आंसर हो जाता है यू ए इसी समिट के दौरान यूएई ने घोषित किया कि वो लॉन्च करेगा दुनिया की सबसे पहली वर्ल्ड फर्स्ट एयर टैक्सी भी जो है लॉन्च करेगा यूएई इसकी भी घोषणा साथ साथ में यहां पर की गई थी है ना इसके अलावा बात करें तो यूएई के द्वारा ही जो है गवर्नमेंट टेक अवार्ड भी जो है वो इंडिया को दिया गया है नाइन्थ गवर्नमेंट टेक अवार्ड भी इंडिया को यहां पर इसी सम्मेलन में दिया गया और ये कौन से प्रोजेक्ट के लिए ये दिया गया आई रास्ते प्रोजेक्ट के लिए है ना तो ये सम्मेलन हुआ सरकारों का है ना जहां पर अलग अलग ग्लोबल इशूज की जो है डिस्कशन यहाँ पर की गई और सही आंसर क्या हो जाएगा किसने जो है इसे होस्ट किया, ने होस्ट किया किया ने और यहाँ पर गेस्ट ऑफ ऑनर तीन देश आपके रहे तो सही उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी नागेश ट्रॉफी 2023 से 24 किस टीम ने जीती हरियाणा कर्नाटक आंध्र प्रदेश या फिर तमिलनाडु देखो नागेश ट्रॉफी की बात करते हैं तो किसने जीती है ये प्रश्न में पूछा है और नागेश ट्रॉफी आपके कौन से खेल से जुड़ी है सबसे पहले तो ये बताएंगे है ना इस बार जो भी SSGD का एग्जाम हुआ है, उसमें कई सारे प्रश्न आपके इसी पैटर्न में पूछे हैं ट्रोफी का नाम दिया है और पूछा है कि यह कौन से खेल से संबंधित है है ना सो so, कौन से खेल से जुड़ी हुई है सबसे पहली बात तो ये क्रिकेट से संबंधित है क्रिकेट से संबंधित है।, है, है क्रिकेट खेल से जुड़ी हुई है नागेश ट्रॉफी है ना तो यहाँ पर जो है अगर हम बात करते हैं नॉट फुटबॉल यस yes, एग्जैक्टली exactly, अगर हम बोले तो ब्लाइंड क्रिकेट से जुड़ी हुई है वेरी गुड है ना तो क्रिकेट से या ब्लाइंड क्रिकेट से संबंधित है यहाँ पर जीती है कर्नाटक कर्नाटक ने हराया है आंध्र प्रदेश को है ना आंध्र प्रदेश को यहाँ पर कर्नाटक ने हराया क्रिकेट से संबंधित है और ये साक्षी सिक्स एडिशन हमें इस साल इसका देखने को मिला छठा संस्करण हमें इस साल इसका देखने को मिला है यहाँ पर इसके ब्रांड एम्बेसडर भी रहे इस चैंपियनशिप के इस बार जो नागेश ट्रॉफी हुई है है ना इसके एम्बेसडर भी रहे और एम्बेसर उसके कौन रहे एम्बेसडर रहे इसके मोहम्मद कैफ जो है ना क्या है इसके ब्रांड एम्बेसडर रहे ठीक सो जीती गई है ये कर्नाटक के द्वारा छठा संस्करण ये नागेश ट्रॉफी का जीता है जो कि स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो ब्लाइंड क्रिकेट से जुड़ा हुआ है नेत्रहीनों के लिए जो है ये क्रिकेट टूर्नामेंट करवाया जाता है नेत्रहीनों के लिए जो है है ये क्रिकेट टूर्नामेंट करवाया जाता है। भारत में आपको पता है कि नेत्रहीनों के लिए क्रिकेट बोर्ड भी है है ना सी ए बी आई क्रिकेट एसोसिएशन फॉर ब्लाइंड इन इंडिया इसे हम कहते हैं तो उसी के द्वारा ये नागेश ट्रॉफी का आयोजन भी जो है सी ए बी आई है ना सी ए बी आई के द्वारा ही क्रिकेट एसोसिएशन फॉर ब्लाइंड इन इंडिया के द्वारा है ना क्या है इसका आयोजन किया गया था तो सही उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी कर्नाटक ध्यान रखेंगे आगे आते हैं फरवरी 2024 में हिंद महासागर सम्मेलन का मेजबान कौन सा देश है भारत बांग्लादेश श्रीलंका या फिर ऑस्ट्रेलिया यहां पर बात करें तो सही आंसर क्या हो जाएगा इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस की बात की जाए तो इसे जो है हिंद महासागर सम्मेलन जो है आपका हर साल करवाया जाता है इस साल इसे कहां पर किया गया है और इस साल इसका कौन सा एडिशन हुआ है ये भी साथ साथ में मुझे बताएंगे सो इस साल की अगर हम बात करते हैं तो सही आंसर क्या हो जाएगा इस साल नो नॉट इंडिया आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया है ना ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा बच्चे है ना करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया में भी कहां पर ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में इसका आयोजन जो है वो किया गया था ठीक एडिशन की बात करें तो सातवां संस्करण आपको इस साल देखने को ये मिला है हिंद महासागर सम्मेलन का भारत की तरफ से हमारे जो विदेश मंत्री है सुब्रमण्यम जयशंकर यहाँ पर उन्होंने रिप्रेजेंट किया था भारत को है ना तो विदेश मंत्री ने हमारा यहाँ पर भाग लिया ठीक है बच्चे ढाका में जो है लास्ट ईयर हुआ

बल इंडियन ओशन टूगेदर फॉर अ स्टेबल एंड सस्टेनेबल ओशियन इंडियन ओशन सतत एवं स्थाई हिंद महासागर की ओर टूवर्ड अ स्टेबल एंड सस्टेनेबल इंडियन ओशन इसकी थीम जो है एग्जैक्ट हो जाती है यहाँ पर सही आंसर क्या होगा ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में से होस्ट जो है इस साल किया गया है अगले क्वेश्चन पर आते हैं <coughs> अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है व्हाट इज द करेंट रिवर्स रेपो रेट आपसे पूछा है रिवर्स रेपो रेट अभी वर्तमान में क्या चल रहा है अगर हम आज की डेट के हिसाब से बात करते हैं तो सही आंसर क्या हो जाएगा सही आंसर क्या हो जाएगा है ना व्हाट इज द करेंट रिवर्स रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट आपको रेपो रेट आपने पढ़ा है है ना आपने इकोनॉमिक्स में भी वैसे पढ़ा होगा सो रेपो रेट आपको पता है कि वो दर है ना जिस पर आरबीआई जो है जिस पर आरबीआई जो है हमारे कमर्शियल बैंक्स को लोन देता है है ना उस तो दर पर कमर्शियल बैंक्स को जो लोन दिया जाता है उस दर को जो है क्या कहा जाता है उस दर को हम रेपो रेट कहते हैं इसी को रिवर्स कर दे अगर कि कमर्शियल बैंक जो है आरबीआई को जिस रेट पर लोन देगा उसे हम लोग रिवर्स रेपो रेट कहेंगे सो रिवर्स रेपो रेट मैंने आपसे पूछा है रिवर्स रेपो रेट पर ध्यान रखेंगे थ्री है ना थ्री अगर मैंने रेपो रेट पूछा होता तो अभी रेपो रेट जो चल रहा है

फाइनेंशियल ट्वेंटी फोर के लिए जो है आखिरी मीटिंग जो है वो हमें देखने को मिली थी है ना तेईस से चौबीस की जो आखिरी मीटिंग है वो भी हाल ही में हुई है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की एक साल में छह बार जो है ना मौद्रिक नीति समिति जो है आपकी बैठती है है ना हर दो महीने में बैठती है हर दो महीने में ये मीटिंग जो है आपकी करती है अच्छा साथ साथ में मुझे, मुझे बता दीजिए कि सबसे पहली जो मीटिंग है मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी की वो कौन से वर्ष में हुई है है ना सबसे फर्स्ट एनपीसी मीटिंग जो है सबसे पहली मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी की जो मीटिंग है वो कौन से वर्ष में हुई है नो 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 यहाँ पर ट्वेंटी वन मेंबर्स नहीं आते हैं यहाँ पर कितने मेंबर्स आते हैं यहाँ पर आ जाते हैं छ मेंबर्स आते हैं है ना इंक्लूडिंग आरबीआई गवर्नर है ना तो तीन मेंबर्स आपके बैंक के होते हैं तीन जो है आपके नॉमिनेट करता है केंद्र सरकार है ना और सिक्स मेंबर्स होते हैं और यहाँ पर सबसे पहली जो मीटिंग है, वो साल 2016 में हुई थी वेरी गुड साल 2016 में और ये मीटिंग जो है सबसे पहली मुंबई में हुई थी ठीक है सो so, ये मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी अलग है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अलग है भी उस पे भी उस आते हैं तो यहां पर सही आंसर क्या होगा ऑप्शन ए रिवर्स रेपो रेट है रेपो रेट जो है ज्यादा चर्चा में रहता है वो कितना है सिक्स आगे आते हैं केपीपी पीपी पुरस्कार के साथ किसे सम्मानित किया गया समीर वी कामत एस सोमनाथ सीआर राव या फिर बिमल पटेल तो केपीपी पीपी नाम्बियार खुद एक इंडस्ट्रियलिस्ट थे है ना उन्हीं के नाम पर ये पुरस्कार जो है वो दिया जाता है इस पुरस्कार की बात करें तो ये इस साल कैसे दिया गया है तो यस अमित सही आंसर क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा एस सोमनाथ है ना सबको पता है कि एस सोमनाथ कौन है सबको पता है ना हम्म सबको पता है एस सोमनाथ कौन है चीफ हो जाते हैं हमारे इसरो के वेरी गुड है ना और समीर भी कामत कौन हो जाते हैं ये कौन है समीर भी कामत तो सोमनाथ की अगर हम बात करते हैं तो इनको जो है ना इन्होंने चंद्रयान थ्री मिशन के टाइम पर ऑफ कोर्स यही चीफ है अभी भी यही चीफ है सो तो इन इनके इनको चंद्रयान थ्री मिशन के लिए जो है क्या है केपीपी नामबियार पुरस्कार दिया गया है केपीपी नामबियार पुरस्कार जो है ये क्या है केरल के जो है ना को, मतलब केरल के, लिए, के द्वारा दिया जाता है और किसी भी व्यक्ति को भी दिया जा सकता है किसी संगठन को भी दिया जा सकता है साल 2017 से ये पुरस्कार आपका जो है दिया जा रहा है इस साल ये सोमनाथ जी को दिया गया है और सोमनाथ यस डीआरडीओ के चीफ हो जाते हैं आपके समीर वी कामत है ना ये कहाँ के ये के चीफ आप इनको बोल सकते हैं या फिर

लास्ट ईयर सॉरी और इसके बाद विमल पटेल आ जाते हैं जो कि नई पार्लियामेंट बिल्डिंग के आर्किटेक्ट हो जाते हैं है ना चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं अगले प्रश्न में क्या कहा गया है तो एस सोमनाथ को चंद्रयान थ्री के लिए केपीपी के नामबियार पुरस्कार दिया गया है केपीपी नामबियार पुर, पुरस्कार किसे दिया जाता है ऐसे संगठन या व्यक्ति को जो की टेक्नोलॉजी की मदद से कुछ अच्छा करता है

को आयोजित जो है किया गया है एडिशन की अगर मैं बात करती हूं तो ध्यान रखना है कि 15th एडिशन इसका जो है किया गया है इसकी शुरुआत की अगर बात करती हूं तो सबसे फर्स्ट एडिशन जो है वो कब हुआ था 1988 में हुआ था और हर दो साल में होता है ठीक है हर दो साल में होता है एवरी टूर्स हो जाता है आपका ये है ना बाइनियल हो जाता है हमारा जो वर्ल्ड कप आता है मेन वो हर चार साल में होता है तो बाइनियल हम इसको कहेंगे हर दो साल में आयोजित किया जाता है ये वाला वर्ल्ड कप आपका अंडर नाइनटीन और यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराया है भारत की कैप्टन कैप्ट क्याप, सॉरी कैप्टनसी किसने की है भारत की कैप्टनसी किसने की है किसने कप्तानी की है अंडर नाइनटीन वर्ल्ड कप में इंडियन टीम की कप्तानी किसके द्वारा की गई है वेरी गुड सूरज उदय सहारन है ना उदय सहारन और उदय सहारन ने ही सबसे ज्यादा रन भी यहाँ पर बनाए हैं तो सही उत्तर क्या हो जाता है ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया के द्वारा जीता गया है साउथ अफ्रीका में इसे होस्ट किया गया है ठीक है आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर हाल ही में आईपीएल दो के लिए चेन्नई सुपर किंग्स का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है शाहरुख खान रणवीर सिंह कटरीना कैफ या फिर सचिन तेंदुलकर है ना इसका

है ना तो इसकी वीडियो भी आ रही थी कि शाहरुख खान ने इसके ओपनिंग सेरेमनी में परफॉर्म किया है सो तो ये भी बहुत वायरल हो रहा था तो यहाँ पे बात करें वुमेन्स प्रीमियर लीग भी आपका शुरू हो चुका है कल से इसका सेकेंड एडिशन है दूसरा संस्करण है आपका जो कि स्टार्ट हुआ है लास्ट ईयर फर्स्ट एडिशन जब हुआ था तो उसमें जो कौन जीती थी उसमें मुंबई इंडियंस इन जो है वो जीती थी तो सही उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी कटरीना कैफ हाल ही में दक्षिणी रेलवे द्वारा पहली वुमेन टीटीई के रूप में किसे नियुक्त किया गया सिंधु गणपति सुरेखा यादव जोविता मॉंडल या फिर एडम हेरी अगर बात करें कि पहली ट्रांस वुमेन टीटीई जो है वो कौन बनी है जिन्हें सदर रेलवे के द्वारा नियुक्त किया गया है तो एक ही नाम है सही आंसर क्या हो जाएगा यस कालू कौन हो जाती है सिंधु गणपति हो जाती है, है ना तो सिंधु गणपति को चुना गया है पहला वुमेन टीटीई टीटी -टी की फुल फॉर्म क्या बताई थी क्या थी टीटी -टी की फुल फॉर्म टीटी -टी की फुल फॉर्म क्या थी <coughs> तो यस पहली ट्रांस वुमेन टीटी कौन बनी है सिंधु गणपति बनी है सदर रेलवे के द्वारा इनको जो है अपॉइंट किया गया है वेरी गुड संजय यादव ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर है ना ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर पर सही उत्तर क्या हो जाता है ऑप्शन ए सिंधु गणपति सही जवाब है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है नवाब सलाम जूलिया सेबे या फिर जॉन डुनॉग अगर जॉन डुनोग्यू किनको जो है अभी रिसेंटली आईसीजी का जो है ना अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष के रूप में किसे अभी हाल ही में चुना गया है तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी यस 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 संजय ऑप्शन बी नवाब सलाम सही आंसर हो जाता है नवाब सलाम को जो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का क्या चुना गया है नया प्रेसिडेंट चुना गया है जल्दी से बता दो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के हेडक्वार्टर्स कहां पर है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के कहां पर है नवाब सलाम याद रखेंगे ये लेबनीज है, है ना यानी कि लेबनान के हैं लेबनीज हो जाते हैं लेबनीज है नवाब सलाम इनको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का प्रेजिडेंट चुना गया है और हेडक्वार्टर्स कहाँ हो जाते हैं वेरी गुड सूरज द हेग नीदरलैंड में इसके हेडक्वार्टर्स हो जाते हैं द हेग नीदरलैंड में इसके हेडक्वार्टर्स उसके मुख्यालय हो जाते हैं और ये स्थापित कब हुआ है इसकी स्थापना की अगर बात करें तो 1945 में जो है क्या है ये आपका स्थापित हुआ है राइट नवाब सलाम ने किसकी जगह ली है तो ध्यान रखेंगे कि ये छब्बीसवें प्रेजिडेंट थे जॉन डोनौ्यू इनकी जगह ली है नवाब सलाम ने और इसी के साथ साथ जूलिया वो क्या है वो है आ, उनको भी रिसेंटली वाइस प्रेसिडेंट जो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का बनाया गया है और प्योत्र ऑफ की कौन हो जाते हैं प्योत्र ऑफ की कौन हो जाते हैं फटाफट से आंसर कर देंगे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के लिए चुना गया है प्रेजिडेंट के तौर पर है ना तो सही आंसर क्या हो जाएगा करेक्ट चांस वेरी गुड यश साक्षी बिल्कुल सही इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है ना इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट यहां पर आ जाता है आईसीसी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के प्रेसिडेंट हो जाते हैं आगे आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अगले प्रश्न में क्या कहा गया है भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल की uh, ंड्रेड बैठक जो है वो किस शहर में आयोजित की गई नई दिल्ली मुंबई जयपुर या फिर वाराणसी सो so, अगर बात करें तो सिक्स हंड्रेड सिक्स मीटिंग जो है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की हुई है आरबीआई की कहां पर हुई है ये मीटिंग इस महीने तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मुंबई नहीं सॉरी डेली में हुई है बच्चे है ना सो so, डेली में ये मीटिंग हुई है और यहां पर बात करो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में जो है कितने मेंबर्स आपके आ जाते हैं इसमें कितने मेंबर्स होते हैं इसमें कितने सदस्य होते हैं केंद्रीय निदेशक मंडल जो है आरबीआई का इसमें कितने मेंबर्स होते हैं तो यस दरबार यस श्यामा यस संजय यादव यस मिस्टर परफेक्ट सही आंसर क्या हो जाएगा यहां पर मेंबर्स जो है वो कितने आ जाते हैं ट्वेंटी वन यहाँ पर इक्के सदस्य आ जाते हैं आरबीआई गवर्नर तो होते ही हैं ऑफ कोर्स चार डिप्टी गवर्नर होते हैं चार क्षेत्रीय निदेशक होते हैं दस अतिरिक्त निदेशक होते हैं और दो जो है सेक्रेटरीज होते हैं तो 21 मेंबर्स का ये बोर्ड होता है इसकी मीटिंग अभी रिसेंटली कहां पर हुई है? हुई है है न्यू दिल्ली में तो ध्यान रखना है कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी अलग है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है अलग है उसमें छह सदस्य आते हैं इसमें 21 सदस्य आते हैं ठीक है तो यहां पर सही उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए न्यू डेली आपका करेक्ट आंसर हो जाता है ठीक है यहां पर ध्यान रखना है कि सही आंसर क्या हो जाता है न्यू डेली आपका करेक्ट आंसर हो जाता है आगे आते हैं बैडमिंटन एशियन टीम चैंपियनशिप 2024 का मेजबान कौन सा देश रहा इंडिया मालदीव्स मलेशिया या फिर नेपाल बात अगर की जाए बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप आपके अभी हाल ही में हुई है यहाँ पर एक हिस्टोरिक मेडल जो है वो भारत भारत ने ने जीता है भारत की टीम यहाँ पर गोल्ड मेडल हासिल किया है ना भारत की जो विमेन्स टीम है उसने यहाँ पर क्या है वुमेन्स टीम ने क्या है यहाँ पर गोल्ड मेडल जो है वो हासिल साथ साथ में यहां पर किया है तो ये इंपॉर्टेंट रहा है इंडिया के लिए मेडल बहुत चर्चा में की वजह से ये चैंपियनशिप रही है ये चैंपियनशिप हुई कहां पर है तो क्या बोलेंगे दिया सिंह चैंपियनशिप हुई कहां पर है मलेशिया में हुई है मलेशिया में कहां पर बताया था मलेशिया में बताया था सेलन गौर शाह आलम मलेशिया में जो है क्या है इसका आयोजन बच्चे किया गया है है ना तो विमेन स्ट्रीम में यहां पर क्या है गोल्ड मेडल बच्चे जीता है करेक्ट चांसर क्या हो जाएगा मलेशिया है ना मलेशिया ने इसे होस्ट किया है मेन आपको ध्यान रखना है कि विमेन स्ट्रीम में यहां पर गोल्ड मेडल जीत लिया है तो सेलनगौर शाह आलम में जो है ये चैंपियनशिप आपकी आयोजित की गई है ऑप्शन सी मलेशिया सही उत्तर होगा साथ साथ में सेवेंटी फिफ्थ मेमोरियल टूर्नामेंट की मेजबानी किस देश ने की है बुल्गारिया स्वीडन रशिया या फिर ब्राजील सेवेंटी फिफ्थ मेमोरियल टूर्नामेंट आपका खत्म हुआ है यहाँ पर अगर बात करें तो सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा बुल्गारिया वेरी गुड दरबार बुलगेरिया सही आंसर हो जाएगा सोफिया टूर्नामेंट जो है यहाँ है? पर, कौन से, कौन से पर हमने जो है टोटल आठ मेडल्स जो है भारत ने जीते इस बॉक्सिंग टूर्नामेंट में इंडिया के द्वारा कुल आठ पदक जीते गए हैं ये जो आठ पदक जीते हैं इसमें से दो गोल्ड मेडल हैं किसने जीते हैं ये दो गोल्ड मेडल्स कौन हो जाएंगे दो गोल्ड मेडलिस्ट यहाँ पर वेरी गुड सूरज कौन हो जाएंगे अमित पंघाल और सचिन हो जाएंगे कौन हो जाएंगे अमित पंघाल और सचिन हो जाते हैं यहाँ पर जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है हमारे लिए है ना गोल्ड मेडल जीता है इस बॉक्सिंग टूर्नामेंट में राइट सो बुल्गेरिया सोफिया में जो है अभी इस टूर्नामेंट का आयोजन रिसेंटली किया गया था इंडिया ने एंड किया है आठ मेडल्स के साथ निम्नलिखित में से किसे हाल ही में एस जे एफ आई के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया मैरी कॉम भवानी देवी पीटी उषा नीतू घांगस एस जे एफ आई यानी कि स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया तो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा ये पुरस्कार जो है किसे दिया गया है अभी तक सिर्फ कुल मिलाकर जो है पांच लोगों को ही क्या है ये पुरस्कार दिया गया है तो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया है ना इसके द्वारा पांचवा पुरस्कार इस साल दिया गया है फिफ्थ प्राइज जो है किसे मिला है पीटी उषा को मिला है कौन से खेल से संबंधित है पीटी उषा केरल राज्य की हैं है ना केरला की है पायोली एक्सप्रेस भी इनको कहा जाता है पीटी उषा की अगर बात करें तो केरल की हो जाती हैं और साथ साथ में और क्या पूछा मैंने पीटी उषा कौन से खेल से संबंधित है कौन से खेल से संबंधित है स्प्रिंटिंग स्प्रिंटर यस तो आप कह सकते हैं स्प्रिंटर है है ना स्प्रिंटिंग खेल से जुड़ी हुई है सो पीटी उषा को जो है रिसेंटली जो है स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन के द्वारा जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया ये फिफ्थ प्राइस जो है मतलब पचासवीं जो है ये विनर आपकी हो जाती है प्राप्त करता इस पुरस्कार की है ना इनसे पहले और भी कई लोगों को भी पीटी उषा को यह पीटी उषा वर्तमान में कौन से संघ की अध्यक्ष है पीटी उषा वर्तमान में कौन से जो है ना संगठन के अध्यक्ष हो जाती है कौन से स्पोर्ट्स बॉडी की अध्यक्ष हो जाती है इन पर्टिकुलर अगर मैं बात करूं तो सही आरोप क्या हो जाएगा नॉट आईयू साक्षी तो कौन हो जाती है तो यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है ना इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन सही आंसर हो जाता है ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं अगले प्रश्न में बोला गया है कि किस राज्य ने काजी नेमो को जो है किस राज्य ने काजी थोड़ी सी हाँ तो काजी नेमो को जो है ना क्या है राज्य फल जो है वो किस राज्य के द्वारा घोषित किया गया है किस राज्य ने काजी नेमो को अधिकारिक फल जो है वो घोषित किया है है ना सिंपल है कि काजी नेमू जो है आपका किस राज्य का आधिकारिक फल आप इसे कहेंगे किस राज्य का आधिकारिक फल है सिंपल है ना तो किस राज्य का हो जाता है काजी नेमू राज्य का हो जाता है तो असम का हो जाता है वेरी गुड बिल्कुल सही वेरी गुड कल्याण सही आंसर क्या हो जाएगा असम का हो जाता है और इसे जीआई टैग कब मिला है साल 2019 में जीआई टैग भी इस पल को जो है वो दिया जा चुका है है ना और काजी नींबू को भी रिसेंटली असम के सीएम के द्वारा क्या है सीएम है हिमंत विश्व शर्मा इनके द्वारा इसका आधिकारिक फल जो है वो घोषित किया गया है है ना यस इसके अलावा और भी कई सारे प्रोडक्ट है कार्बी अंगलोंग अदरक हो गया है ना और चोकोवा राइस हो गया यस इन सबको भी जी टैग असम के ही प्रोडक्ट्स हैं ये सारे है ना यस बच्चे ये नींबू ही है नींबू की ही एक वैरायटी है बड़े से लेमन होते हैं ये यूजुअली हमने देखा है कि छोटे छोटे नींबू होते हैं तो ये जो वैरायटी है नीवो के थोड़ी बड़े होते हैं और इनको जो है जीआई टैग में मिला हुआ है इनको स्टेट फ्रूट जो है असम का घोषित किया गया है असम के गवर्नर कौन है असम के राज्यपाल कौन है असम के राज्यपाल कौन है वर्तमान में ये yes, सजीत दस सालों के लिए जीआई टैग दिया जाता है जिसको नहीं पता है जीआई टैग एक ऐसी वस्तु को दिया जाता है जो आपको किसी एक ही पर्टिकुलर जगह पर ही मिल पाएगी है ना तो जैसे काजी नींबू की बात करें तो ये आपको सिर्फ असम में ही ये वैरायटी जो है नींब की खाने को मिलेगी है ना वहीं पर इनकी खेती की जाती है वहीं पर ये उगाई जाती है तो इसकी जो असली क्वालिटी है वो आपको असम में ही मिलेगी तो ऐसे प्रोडक्ट्स को जी टैग दे दिया जाता है ताकि कोई दूसरा फार्मर या कोई दूसरे कोपरेटिव जो है या कहीं दूसरी जगह इनको प्रोड्यूस ना किया जाए चुराना ले बेसिकली तो वहां के फार्मर्स का भला हो जाएगा गुलाब चंद कटारिया है ठीक है गवर्नर कौन हो जाते हैं गुलाब चंद कटारिया यहां पर गवर्नर हो जाते हैं असम राज्य के चलो आगे आते हैं दादा साहब फाल्के पुरस्कार के लिए नया नकद पुरस्कार क्या है न्यू कैश प्राइस कितना है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार का एक तो दादा साहेब फाल्के अवार्ड की बात हो रही है और साथ साथ में भी कल ही शायद हमने पढ़ा है दादा साहेब इंटरनेशनल दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड जो है आपके रिसेंटली दिए गए हैं है ना इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड जो है रिसेंटली दिए गए हैं फिल्म फेस्टिवल अवार्ड जो है ये भी अभी हाल फिलहाल में दिए गए हैं तो इसमें हमने पढ़ा था कई सारी कैटेगरीज अभी ये भी डिस्कस कर लेते हैं चलो पहले तो यहाँ पर दादा साहेब फाल्के अवार्ड की बात करते हैं जो भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है तो यहाँ पर 15 लाख का कैश प्राइज है इसमें ठीक है चलो ठीक है और इसकी बात करें तो ये स्टैब्लिश कब हुआ है या सबसे पहली बार सॉरी कब दिया गया है तो नाइनटीन में सबसे पहली बार ये पुरस्कार आपका दिया गया पिछले बार की अगर हम बात करते हैं तो साल दो के लिए जो है ये किसको दिया गया है वहीदा रहमान को साल 2021 के लिए पुरस्कार आपका दिया गया है वहीदा रहमान को और ये इनको साल 2023 में जो है ना दिया गया है है ना ध्यान रखना है ठीक तो एक तो ये पुरस्कार आ जाता है ये न्यूज क्या थी कि कई सारे जो आपके फिल्म अवार्ड हैं उनको उनका उनका नाम जो है वो बदला गया है जैसे नरगिस दत्त अवार्ड दिया जाता था नरगिस दत्त का नाम हटा दिया गया है और उसको कर दिया गया है बेस्ट फिल्म ऑन अ सोशल इशू कर दिया गया है या फिर इंदिरा गांधी जी के नाम पर पुरस्कार दिया जाता था तो वो भी हटा दिया गया है उसे कर दिया गया है बेस्ट फिल्म ऑफ अ डायरेक्टर उसकी डेब्यू फिल्म जो रहेगी बेस्ट डेब्यू फिल्म ऑफ अ डायरेक्टर कर दिया गया है तो नाम जो है बदले गए हैं फिल्म अवार्ड के राशि जो है थोड़ी ऊपर नीचे की गई है कई सारे अवार्ड्स की जिसमें दादा साहेब फाल्के अवार्ड भी आपका शामिल था अब यहां पर अगर आ जाते हैं दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड पे तो बेस्ट फिल्म क्रिटिक्स कौन सी रही है बताओ बेस्ट फिल्म क्रिटिक्स के द्वारा जो चुनी गई है वो कौन सी हो जाती है बेस्ट फिल्म क्रिटिक्स के द्वारा जो चुनी गई है यहां पर वो कौन सी हो जाती है बेस्ट फिल्म क्रिटिक्स तो कौन सी हो जाएगी यस रूपा तो हो जाएगी ट्वेल्थ फेल हो जाएगी है ना तो हो जाती है ट्वेल्थ फेल अगर सिर्फ लिखा है कि बेस्ट फिल्म कौन सी है तो बेस्ट फिल्म हो जाती है जवान हो जाती है है ना इसके अलावा बेस्ट फिल्म ऑफ द ईयर भी हमने पढ़ा था तो बेस्ट फिल्म ऑफ द ईयर है ना पूरे साल की जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म रही है फिल्म ऑफ द ईयर तो वो कौन सी हो जाती है वो हो जाती है सालार हो जाती है कौन सी हो जाती है सालार हो जाती है है ना नहीं ओपन हाईमर नहीं है यहाँ पर हम लोग बात करें इंडिया का फेस्टिवल है तो यहाँ पर इंडियन मूवीज ही आपको देखने को मिलेंगी इसके अलावा बेस्ट एक्टर की बात करें तो शाहरुख खान हो जाते हैं बेस्ट एक्ट्रेस की बात करें तो रानी मुखर्जी को दिया गया है है ना मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे मूवी के लिए उनको दिया गया है इसके अलावा अगर बात करें तो बेस्ट डायरेक्टर का दिया गया है संदीप रेड्डी वांगा को दिया गया है और इसके अलावा अच्छा चलो बाफ्टा की भी बात कर लेते हैं है ना बाफ्टा की भी साथ साथ में बात कर लेते हैं बाफ्टा की भी और ग्रामीण की भी तो बाफ्टा की अगर हम बात करते हैं ब्रिटिश एकेडमी फिल्म टेलीविजन अवार्ड्स हो जाते हैं आपके है ना बाफ्टा अवार्ड्स की अगर बात की जाए तो ये भी क्या है मूवीज के लिए पुरस्कार आपके दिए जाते हैं ये भी पुरस्कार आपके मूवीज के लिए ही हो जाते हैं यहाँ पर हमने पढ़ा था बाफ्टा ब्रिटिश एकेडमी तो ब्रिटिश आपका आ जाएगा यानी कि यूके के द्वारा जो है ये पुरस्कार आपके दिए जाते हैं ठीक है सो so, यहाँ पर अकेडमी हो जाती है बाफ्टा बाफ्टा की फुल फॉर्म क्या है बाफ्टा की फुल फॉर्म आप लोग बताएंगे सो so, यहाँ पर अगर बात करूँ तो बेस्ट फिल्म कौन सी हो जाती है बेस्ट फिल्म हो जाती है ओपन हाइमर हो जाती है बच्चे बेस्ट फिल्म है ना इसके साथ साथ बेस्ट डायरेक्टर भी इसी मूवी के आ जाते हैं बेस्ट डायरेक्टर भी जो है सर्वश्रेष्ठ निदेशक भी इसी मूवी के आ जाते हैं क्रिस्टोफर नोलन आ जाते हैं क्रिस्टोफर नोलन जो है आ जाते हैं यहाँ पर साथ साथ में इसके साथ साथ बात करें अगर तो बेस्ट एक्टर भी इसी मूवी के आ जाते हैं बेस्ट एक्टर की अगर बात करें तो आ जाते हैं कौन किलियन मर्फी आ जाते हैं ठीक है तो बाफ्टा अवार्ड अलग है सारे अवार्ड को मिक्स नहीं करना है तो किलियन मर्फी आ जाते हैं आपके इसके साथ साथ बेस्ट एक्ट्रेस की अगर हम बात करते हैं तो बेस्ट एक्ट्रेस कौन हो जाती है तो वो हो जाती है एमा स्टोन हो जाती है. है ना कौन हो जाती है एमा स्टोन हो जाती है इनको मिला है पुअर थिंग्स मूवी के लिए इनको पुअर थिंग्स मूवी के लिए जो है बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है ब्रिटिश अकेडमी ऑफ फिल्म टेलीविजन एंड आर्ट वेरी गुड अमित बिल्कुल करेक्ट जो है फुल फॉर्म बाफ्टा की लिखी है

मोमेंट एल्बम के लिए जिसे क्या है अवार्ड दिया गया है ठीक है सबसे पहला पॉइंट तो ये ध्यान रखेंगे इस बैंड में आपके आ जाते हैं शंकर महादेवन जाकिर हुसैन इसी बैंड में आ जाते हैं है ना और भी दो तीन लोग इसके साथ आ जाते हैं जैसे जॉन मैकलॉलिन आ जाते हैं इसी में है ना गणेश और जो है आपके सेल्व गणेश आ जाते हैं इसी शक्ति बैंड में आ जाते हैं ये बैंड का नाम है ठीक है सो so, बैंड में आपने देखा होगा कि अलग अलग होते हैं कोई म्यूजिक देता है कोई गाना गाता है कोई फ्लूट बजा रहा है कोई इंस्ट्रूमेंट बजा रहा है तो पूरा बैंड होता है तो बैंड का नाम है शक्ति और इनकी इस एल्बम द मूवमेंट के लिए क्या है ग्रामीण अवार्ड इन्होंने जीता है इसमें जाकिर हुसैन और शंकर महादेवन दोनों शामिल हैं जाकिर हुसैन को इसके अलावा दो और ग्रामीण अवार्ड आपके दिए गए थे है ना जाकिर हुसैन को इसके अलावा दो और जो है ना क्या है यहां पर दो और जो है ना दो और यहाँ पर जाकिर हुसैन को दिए गए सो so, यानी कि जाकिर हुसैन को टोटल टोटल इस इस बार बार जो है कितने टोटल इस बार तीन ग्रामीण पुरस्कार जो है वो दिए गए हैं है ना हो रहा है मंथली रिवीजन और मुझे लग रहा है कि मैं वापस से ना पढ़ा रही हूं पर चलो ठीक है कोई बात नहीं सिक्सटी सिक्स ग्रामी अवार्ड है आपके जो कि अभी इस साल दिए गए हैं बेसिक आपको पता है चलो बताओ फर्स्ट ग्रामी अवार्ड जीतने वाले इंडियन कौन थे सबसे पहले भारतीय जिन्होंने ग्रामी पुरस्कार जीता है कौन हो जाते हैं चलो सबसे पहले भारतीय जिन्होंने ग्रामी अवार्ड जीता है वो कौन से हो जाते हैं फटाफट से आंसर करेंगे ठीक है चलो थोड़ी स्पीड पकड़ेंगे फर्स्ट कौन हो जाते हैं वेरी गुड आंसर अंसार सईद बिल्कुल सही पंडित रविशंकर हो जाते हैं कौन हो जाते हैं पंडित रविशंकर हो जाते हैं 1968 में जो है ना क्या है इन्होंने अवार्ड जीता था तो ये पहले इंडियन बन गए थे पहली जो है ना महिला कौन हो जाती हैं जिन्होंने ग्रामी अवार्ड जीता है पहली इंडियन वुमेन टू अ अग्रामी जिन्होंने ग्रामी पुरस्कार जीता है तो कौन हो जाता है वेरी गुड खुशबू मिश्रा सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर यहां पर आ जाती हैं तनवी शाह आ जाती हैं इनको दिया गया था जयहो के लिरिक्स लिखने के लिए मतलब मिला था तो ग्रामीण हो गए दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फेस्टिवल हो गया आपका इसमें कई सारे अवार्ड दिए गए इसके अलावा खुद जो बड़ा दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है जो गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है उसकी भी राशि बढ़ाई गई है तो ये अवार्ड से संबंधित कुछ आपके इंपॉर्टेंट चीजें हैं अभी ज्ञान पीठ पर आ रहे हैं धीरे धीरे करके आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर बोला गया है कि अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की स्थापना जो है वो कौन से ईयर में की गई है किस वर्ष स्थापना हुई है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन है इसके मेंबर्स कितने हैं और ये हम क्यों पढ़ रहे हैं <coughs> यह हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि 50 साल इसके पूरे हुए अभी तो इसकी बैठक जो है वो रिसेंटली हुई थी इसमें मेंबर्स कितने आ जाते हैं न्यूज एक ये भी थी आपकी कि भारत जो है इसका सदस्य बनने वाला है इसका पूरा प्रोसेस जो है वो शुरू हो चुका है ऐसा इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के द्वारा कहा भी गया है सो नाइनटीन सेवनटी वेरी गुड बच्चे 1974 सही आंसर हो जाता है मेंबर्स कितने हो जाते हैं तो मेंबर्स 31 हो जाते हैं इकतीस सदस्य आ जाते हैं और इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हो जाते हैं फातेह है जाते हैं कौन हो जाते हैं फातेह है बिरोल हो जाते हैं है है ना ना बिरोल हो जाते हैं है तो सोमनाथ ने सही लिखा था बिरोल सही आंसर हो जाएगा और इसके साथ साथ अगर बात करें तो हेडक्वार्ट पड़ जाते हैं पेरिस फ्रांस में इसके हेडक्वार्टर्स आ जाते हैं इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के तो ध्यान रखेंगे इस साल इसके जो है 50 इयर्स कंप्लीट हुए हैं 50 वर्ष जो है क्या है पूरे हुए हैं इसके लिए एक बैठक रखी गई थी जिसमें पीएम मोदी ने भी अपनी स्पीच प्रेजेंट की है और इसको भारत को शामिल करने की भी बात की है किस संस्था ने हाल ही में ध्वनि आधारित एंटी ड्रोन प्रणाली विकसित की है आईआईटी कानपुर आईआईटी भोपाल आईआईटी मद्रास या फिर आईआईटी जम्मू बात अगर करें तो यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा अभी हाल ही में किसने जो है ध्वनि आधारित एंटी ड्रोन प्रणाली जो है वो डेवलप की है कौन से आई ने तो so, सही आंसर क्या हो जाएगा यस yes, कालू लू आई जम्मू से ही उत्तर हो जाएगा है ना तो हमने पढ़ा था कि आई जम्मू के द्वारा ये ड्रोन आपका विकसित किया गया है जो कि साउंड के बेस पे डिटेक्शन कर सकता है अगर आवाज आएगी तो आवाज को तुरंत डिटेक्ट कर लेगा ये ड्रोन है ना तो सही आंसर क्या हो जाएगा आईआईटी जम्मू राइट इसकी 300 मीटर्स की जो है इसकी रेंज बताई गई थी कि इतनी मीटर्स की रेंज में अगर आवाज आती है तो ये ड्रोन जो है वो आपका डिटेक्ट कर लेगा है ना अच्छा इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं तो इसको बनाने में फोर लाख रुपीज की कॉस्ट जो है आपकी लगी है साथ साथ हम बताएंगे कि भारत का पहला एंटी ड्रोन सिस्टम का नाम क्या है इंडियाज फर्स्ट एंटी ड्रोन सिस्टम जो है वो कौन सा हो जाता है इंडिया ड्रोन सिस्टम का नाम क्या हो जाता है बच्चे इंडिया एंटी ड्रोन सिस्टम का नाम क्या हो जाता है यस yes. नाम क्या हो जाता है इंद्रजाल हो जाता है. है ना क्या नाम हो जाता है इंद्रजाल हो जाता है तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आईआईटी जम्मू आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है संतोष ट्रॉफी 2024 का मेजबान कौन सा राज्य है और संतोष ट्रॉफी आपके कौन से खेल से जुड़ी है ये भी बताएंगे तो अभी संतोष ट्रॉफी खत्म हुई नहीं है है ना संतोष ट्रॉफी की अगर हम बात करते हैं तो इसे कौन सा जो है स्टेट होस्ट करता है कर रहा है इस बार तो कौन सा स्टेट हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश है ना अरुणाचल प्रदेश संतोष ट्रॉफी को होस्ट कर रहा है और साथ साथ में अगर बात की जाए तो कौन से खेल से जुड़ा हुआ है तो ये बच्चे फुटबॉल से आपका संबंधित है ये टूर्नामेंट फुटबॉल से संबंधित है ध्यान रखेंगे है ना तो अभी हाल ही में क्या है अरुणाचल प्रदेश में ये टूर्नामेंट जो है आपका आयोजित किया जा रहा है और इसका ये साक्षी इसका कौन सा इसका सेवेंटी सेवेंथ एडिशन जो है वो आपका होस्ट किया जा रहा है ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश सही आंसर होगा आगे आते हैं उषा किरण खान का अभी हाल ही में निधन हो गया है वह कौन थी राइटर पोएट पोलिटिशियन या फिर सिंगर बात अगर करें उषा किरण खान की तो इनका भी हाल ही में निधन हुआ है पूछा गया है कि वो कौन थी है ना राइटर थी पोएट थी पॉलिटिशियन थी सिंगर थी तो इनकी अगर बात करें तो सही आंसर क्या हो जाता है वेरी गुड दिलीप सही उत्तर क्या हो जाएगा राइटर लेखिका थी आपकी है ना और खास तौर पे हिंदी और मैथिली भाषा के लिए ये जानी जाती थी है ना हिंदी और मैथिली भाषा की राइटर थी आपकी ये राइट right? और कहा से थी कौन से राज्यों से बिहार से जो है ना ये बिलोंग करती थी इनका भी हाल ही में निधन हुआ है इनकी बात करें तो इनको साहित्य नाटक अकादमी अवार्ड भी दिया जा चुका था साहित्य नाटक अकादमी अवार्ड से भी इनको सम्मानित किया जा चुका था 2011 में है ना साहित्य नाटक अकादमी अवार्ड इनको दिया गया था कौन सी भाषा के लिए इनको मैथिली भाषा के लिए दिया गया था है ना तो मैथिली साहित्य के लिए क्या है इनको साहित्य नाटक अकादमी अवार्ड साल 2011 में दिया गया था और पद्मश्री से भी इनको यह सम्मानित किया जा चुका था तो बहुत ही जानी मानी आपकी लेखिका थी इनका अभी हाल ही में निधन हुआ है भारत की पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन सेवा जो है वो किस राज्य ने शुरू की है यूपी हरियाणा आंध्र प्रदेश या फिर उत्तराखंड सो so, भारत की पहली हेलीकॉप्टर इमरजेंसी सर्विस जो है किसके द्वारा लॉन्च की गई है सही आंसर क्या हो जाएगा यूपी हरियाणा आंध्र प्रदेश या फिर उत्तराखंड तो हेलीकॉप्टर के जरिए क्या है कोई भी इमरजेंसी पेशेंट जो होगा उसे जो आसपास की जो भी मेडिकल सुविधा है कोई हॉस्पिटल हो गया कोई क्लिनिक हो गया वहां पर लेकर जाया जाएगा बेसिकली हॉस्पिटल ही ले जाया जाएगा है ना तो यूजुअली ऐसी इमरजेंसी सर्विसेज के लिए क्या होती है एम्बुलेंस होती है लेकिन पहला राज्य ऐसा बना है जिसने इसके लिए हेलीकॉप्टर सेवा को लॉन्च किया है और ऐसा राज्य कौन सा बना है तो सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी उत्तराखंड है ना यस वन फिफ्टी किलोमीटर का रेडियस है मतलब इतने वन किलोमीटर के दायरे में जो है अगर एक्सीडेंट होता है कुछ भी होता है तो ऐसे में हेलीकॉप्टर रहेगा एम्स देहरादून में है ना जो कि क्या है यहाँ पर यह सुविधा जो है प्रोवाइड करेगा हेम्स हम इसे कह सकते हैं हेलीकॉप्टर इमरजेंसी सर्विस तो ये भारत के जो पहली हेलीकॉप्टर इमरजेंसी सर्विस है इस तरह की इसके द्वारा भी हाल ही में कहां पर उत्तराखंड में जो है रिसेंटली लॉन्च आपकी गई है ऑप्शन डी उत्तराखंड से ही उत्तर हो जाएगा पीएम मोदी ने हाल ही में किस शहर में नए सीबीएसई कार्यालय के शुभ आरंभ की घोषणा जो है वो की है लंडन पेरिस दुबई या फिर जेनेवा है ना तो अभी हाल ही में आबुधाबी में एक इवेंट आपका हुआ था जिसका नाम क्या था अबू धाबी में एक इवेंट हुआ था जिसका नाम था अहलान मोदी है ना अहलान मोदी इस इवेंट का नाम था अगर बात की जाए अहलान मोदी की यानी वेलकम मोदी तो यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की थी कि सीबीएसई का एक नया ऑफिस खुलेगा और कहाँ खुलेगा तो यस पूनम कुशवाहा ये कहां पर ये पेरिस फ्रांस में जो है आपका लॉन्च किया जाएगा है ना सीबीएसई के साथ साथ बात करें सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सो इसकी जो है वर्तमान में चेयर कौन हो जाती है निधि छिब्बर हो जाती है निधि छिब्बर इसकी चेयरपर्सन हो जाती हैं वर्तमान में और इसकी स्थापना कब हुई है स्थापना कब हुई है सीबीएसई की जल्दी से बताएंगे कौन से में हुआ है? इसके हो जाते हैं न्यू डेली में हो जाते हैं है ना इसके साथ साथ एक चीज इम्पोर्टेंट और रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा पीएम मोदी जी के द्वारा यूएई में आपका यूएई में जो है इसी महीने आपका बीएपीएस हिंदू मंदिर का उद्घाटन भी किया गया है बीएपीएस हिंदू मंदिर का भी उद्घाटन जो है अभी इसी इसी महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है और कब स्थापित हुआ है वेरी गुड 1929 हम बोलेंगे सीबीएसई की स्थापना जो है कब हुई है 1929 में वेरी गुड राजू आगे आते हैं ऑप्शन बी पेरिस सॉरी ऑप्शन सी दुबई यहां पर सही आंसर हो जाता है आगे आते हैं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला पहला पूर्वोत्तर राज्य कौन सा है फर्स्ट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट टू इंप्लीमेंट चीफ मिनिस्टर जन आरोग्य योजना योजना से है जिसे जिसे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लॉन्च कौन से वर्ष में किया गया है तो पहला जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हो जाता है वो कौन सा हो जाता है वेरी गुड पार्थ पटेल सही आंसर हो जाता है त्रिपुरा त्रिपुरा जो है पहला नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट बना है जिसने इसे लागू किया है पीएम जय योजना कब लॉन्च की गई थी शिबा परवीन बिल्कुल सही साल 2018 में इस योजना को लॉन्च किया गया था है ना तो इसके तहत क्या है कि जो गरीब परिवार है उनको पांच लाख का जो है इंश्योरेंस कवर दिया जाएगा पांच लाख का बीमा जो है स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा तो सेम योजना जो है स्टेट लेवल पर आपकी लॉन्च की गई है अभी हाल ही में सही उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी त्रिपुरा सही उत्तर होगा त्रिपुरा पहला नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट और ओवरऑल अगर हम बात करते हैं तो बारवा राज्य बन गया है जिसने अभी हाल ही में चीफ मिनिस्टर जन आरोग्य योजना को लॉन्च किया है इसमें सेम चीज रहेगी कि पांच लाख का जो है स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा गरीब लोगों को और साथ साथ में जो कि आपके सरकारी जो जो आर्मी पर्सन उनको भी साथ साथ में इसमें इंक्लूड किया गया है सही उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी त्रिपुरा आगे आते हैं चुनावी बॉन्ड योजना किस वर्ष शुरू हुई थी तो ये हमने देखा हुआ है इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम इस इसी महीने की न्यूज है आपकी चर्चा में है अभी भी चर्चा में है इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को न्यूज में की थी क्यों थी क्योंकि रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा क्या है इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो जो है 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 करार दिया गया गया इसे इसे असंवैधानिक वो बोला गया है और रद्द कर दिया गया है और इस पर रोक लगा दी गई है है ना इसके तहत क्या होता था कि पॉलिटिकल पार्टी को फंडिंग दी जाती थी चंदा दिया जाता था और ये चंदा कौन से बैंक के द्वारा दिया जाता था तो वो बैंक आ जाता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है ना तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ये पॉलिटिकल डोनेशन जो है वो किए जाते थे राजनीतिक दलों को ठीक सो तो ये जो चंदा है ये बंद करवाया गया है और साथ साथ में प्रॉब्लम जो बताया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि भाई जो भी चंदा देगा उसका नाम नहीं आएगा उसे गुप्त रखा जाएगा अनोनमस रखा जाएगा है ना सो तो ये कहा गया कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है नहीं चलेगा इसे बंद करने के लिए कहा गया है यह योजना आपकी जो है इसे लॉन्च कब किया गया था कि हाँ भाई ऐसी फंडिंग जो है की जाए तो so इस योजना को साल 2018 में बच्चे लॉन्च किया गया था तो चुनावी बॉन्ड योजना को रद्द रद किया गया है और पिछले पांच वर्षों में कितना कितना किस किस को डोनेशन मिला है उसकी भी पूरी रिपोर्ट मांगी है सुप्रीम कोर्ट ने ठीक है सो so दो में इसे लॉन्च किया गया था इस योजना को सही आंसर होगा ऑप्शन ए आगे आते हैं रंजीत कुमार अग्रवाल को इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष चुना गया आईसीएआई किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है कॉर्पोरेट डिफेंस पावर या फिर अर्थ साइंसेस। सो आपको याद है रंजीत कुमार अग्रवाल को आईसीएआई का नया प्रेसिडेंट चुना गया है कौन से मंत्रालय के तहत आता है आईसीएआई के साथ साथ में बात करें सो so, नाइनटीन में यह स्थापित हुआ है हेडक्वार्टर्स इसके कहां पर आ जाते हैं मुख्यालय इसके नई दिल्ली में आ जाते हैं और इसके साथ साथ अगर बात करें तो अभी रंजीत कुमार अग्रवाल इसके प्रेसिडेंट बने हैं कौन सा मंत्रालय आ जाता है जिसके तहत आईसीएआई काम करता है तो मंत्रालय कौन सा हो जाएगा यस राधा मौर्य बिल्कुल सही मंत्रालय हो जाएगा आपका कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के तहत आईसीएआई जो है कार्य करता है इसके जो है सेवेंटी सेकेंड प्रेजिडेंट जो है वो बने हैं रंजीत कुमार अग्रवाल आगे आते हैं आईआरसीटीसी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक का पदभार किसने संभाला है बहुत सिंपल है एकदम वन लाइनर वाला सवाल है कि आईआरसीटीसी के नए चेयरपर्सन और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने हैं अनिल कुमार लाहौटी जया वर्मा सिन्हा संजय कुमार जैन या फिर प्रदीप कुमार दास तो सिंपल सा आंसर है इसका नो नॉट जया वर्मा सिन्हा हमने क्या पढ़ा जया वर्मा सिन्हा जो है रेलवे बोर्ड की सीई और अध्यक्ष है और आईआरसीटीसी जो है इसके अंडर आता है है ना? तो आईआरसीटीसी के सी के चे चेयरपर्सन अलग हो जाते हैं वो कौन है संजय कुमार जैन वेरी गुड बच्चे है ना यस yes, विद्या बिल्कुल सही लिखा है संजय कुमार जैन आपका सही उत्तर हो जाता है संजय कुमार जैन को अभी हाल ही में आईआरसीटीसी का चेयरपर्सन बनाया गया है जानवरों के लिए भारत का पहला अस्पताल किस राज्य में खोला जाएगा यूपी एमपी महाराष्ट्र या फिर कर्नाटक सो so पहला हॉस्पिटल खोला जाएगा अगले महीने मार्च के महीने में बात अगर करें यहां पर तो ये कहां पर खोला जाएगा सही उत्तर क्या हो जाएगा जानवरों के लिए भारत में इस तरीके का अस्पताल नहीं है तो इस तरीके का पहला अस्पताल वेरी गुड भारती बिल्कुल सही लिखा है महाराष्ट्र में जो है इस तरीके का पहला हॉस्पिटल खोला जाएगा सो महाराष्ट्र के महालक्ष्मी में हमें ये देखने को मिलेगा जिसे टाटा ट्रस्ट के द्वारा जिसे क्या है टाटा ट्रस्ट के द्वारा जो है ये आपका हॉस्पिटल बच्चे स्थापित किया जाएगा और ये भारत जानवरों के लिए पहला जो है आपका हॉस्पिटल हो जाता है आगे आते हैं मिलान नौसैनिक अभ्यास का बारवा संस्करण किस देश में आयोजित किया जा रहा है नेपाल यूएसए इंडिया या फिर भारत सो तो मिलान जो आपका अभ्यास है ये कहां पर हो रहा है सही उत्तर क्या हो जाता है मैंने पूछा है देश है ना कौन से कंट्री में हो रहा है सो so, यूएसए है नेपाल है इंडिया है कौन सा देश है तो so, सही आंसर क्या हो जाएगा yes. जो इंडिया लिख रहे हैं बच्चे यस yes. सुभाष नो no, नो no, नो no, नो no, सुभाष नॉट यूएसए सही आंसर क्या हो जाएगा इंडिया ध्यान रखेंगे ठीक है सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी इंडिया इंडिया में कहां पर विशाखापट्टनम में आपका ये मिलान अभ्यास जो है वो आयोजित किया जा रहा है तो मिलान के बारे में हमने पढ़ा है मिलान क्या है मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज बहुराष्ट्रीय आपका ये क्या है नौसैनिक अभ्यास है इसमें इस साल पचास देश जो है बताए गए हैं जो कि भाग ले रहे हैं विशाखापटना में हो रहा है हमारी भारतीय नौसेना इसे होस्ट कर रही है और मिलान अभ्यास जो है कब से शुरू हुआ है सबसे पहली बार कब हुआ था बच्चे मिलान अभ्यास की बात करें तो सबसे पहली बार वेरी गुड संजय यादव कब से शुरू हुआ है 1995 से शुरू हुआ है है ना और हर दो साल में होता है एवरी टू इयर्स हर दो साल में इसका आयोजन जो है हर दो साल में एवरी टू ईयर्स इसका आयोजन जो है वो किया जाता है राइट सो so, इंडिया में विशाखापटनम में इसे होस्ट किया जा रहा है इसका बारवां संस्करण है संस्करण ध्यान रखेंगे ठीक है 12th edition है इस साल जो कि 2024 में हो रहा है 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 वो है ना हमने कल की क्लास में पढ़ा था। मेरी टाइम टेक्निकल भी लॉन्च किया गया है हमारे डिफेंस मिनिस्टर के द्वारा और वो भी कहां पर इसी एक्सरसाइज के दौरान लॉन्च किया गया है राइट सो so यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा इंडिया इसे होस्ट कर रहा है आगे आते हैं इन सैट फी डी एस मिशन को प्रक्षेपण यान पर लॉन्च किया गया है कौन से जो है ना लॉन्च व्हीकल से इसे रवाना किया गया है इन सैट मिशन को है ना इन सैट के फुल भी साथ साथ में मुझे बताएंगे पर का क्या मतलब है 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 ना तो कौन से से लॉन्च लॉन्च व्हीकल इसे किया गया है? मिशन इसरो का एक और मिशन जो है इसे लॉन्च कर दिया गया है सो so, uh, ये जो है क्या है मौसम विज्ञान आपका एक उपग्रह है एक सैटेलाइट है जो कि मौसम की जानकारी देने में हमें मदद करेगा राइट सो कौन सा जो है आपका हो जाता है लॉन्च व्हीकल जीएसएलवी एफ 13 हो जाता है है ना यस yes, बादल है ना जीएसएलवी एफ14 हो जाता है बादल तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी है ना इसे नटी बॉय के नाम से भी जो है कई जगह पढ़ेंगे तो सही उत्तर क्या होगा ऑप्शन बी है ना और इसके साथ-साथ इनसैट साथ की फुल फॉर्म क्या हो जाती है इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम है ना क्या हो जाती है इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम तो भारत में जो है ना जो हमारा पूरा का पूरा सैटेलाइट सिस्टम है उसमें आप देखेंगे थ्री डी एस थ्री डी आर सीरीज चलती है थ्री डी एस सीरीज में भी हाल ही में इस सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है है ना तो इन सैट हमारा बहुत पुराना है इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम हो जाता है राइट सो यहाँ पर इन साठ थ्री डी एस को लॉन्च किया गया है इन साठ थ्री डी एस का वजन कितना है वजन कितना हो जाता है इन सैट थ्री डी एस का कितना वेट हो जाता है वेरी गुड अमित बिल्कुल सही लिखा है यह कितना वजन हो जाता है 2274 थाउजेंड की आपकी क्या है यह सैटेलाइट है कौन सा मंत्रालय है जिसने इन 3डीएस थ्री की फंडिंग की है कौन सा मंत्रालय है जिसने इन 3डीएस थ्री की फंडिंग की है मतलब सारा खर्च जो तो है मंत्रालय उठा रहा है तो कौन सा मंत्रालय हो जाएगा

क्या है ये भी आप लोग मुझे बताएंगे सही आंसर क्या हो जाता है सही उत्तर हो जाता है इसरो यस रागिनी यस अमरजीत बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा इसरो इस से संबंधित है, युविका, प्रोग्राम। क्या है युविका, प्रोग्राम? युविका क्या है युवा विज्ञान कार्यक्रम है ना तो युविका क्या हो जाता है युवा विज्ञान कार्यक्रम हो जाता है युविका युवा विज्ञान कार्यक्रम आपका लॉन्च किया गया है और ये खास तौर पे लॉन्च किया गया है कौन सी क्लास के छात्रों के लिए नौवीं क्लास के नाइन्थ क्लास के स्टूडेंट्स के लिए जो है इसे हाल ही में लॉन्च किया गया है है ना ताकि इनको जो है ताकि इनको जो है इन छात्रों को जो है स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में सिखाया जा सके और ज्यादा से ज्यादा टेक्नोलॉजी से इनको जो है बताया जा सके सिखाया जाए तो इसरो ने यह प्रोग्राम आपका लॉन्च किया है तो आ, युविका कार्यक्रम हो जाता है इसके तहत बच्चों को चुना जाएगा और मई के महीने में प्रोग्राम आपका लॉन्च किया जाएगा है ना यस yes, स्टेम की प्रमोशन के लिए भी आप कह सकते हैं कि इसको लॉन्च किया गया है ताकि बच्चों को साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स के तरफ थोड़ा पुष्ट किया जाए आगे आते हैं वन आजकल सब जो है रील्स बना रहे तो भाई साइंस में कौन जाएगा टेक्नोलॉजी में कौन जाएगा आगे आते हैं मिजोरम अटेन स्टेट स्टेटहुड इन विच शेयर मिजोरम को राज्य का दर्जा जो है किस वर्ष प्राप्त हुआ मिजोरम को राज्य का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ है सही आंसर क्या हो जाएगा सही उत्तर यहां पर हो जाता है 1987 वेरी गुड बच्चे डे कौन सा हो जाता है 1987 यस yes, बिल्कुल करेक्ट है और मिजोरम का जो स्टेटहुड डे है वो कब आता है मिजोरम के साथ साथ एक और राज्य है जिसका स्टेटहुड डे आता है तो वो कौन सी तारीख हो जाती है <coughs> तारीख कौन सी हो जाती है 20 फरवरी है ना तारीख पे तारीख आज हमें पढ़ने को मिल रही है क्योंकि हम मंथली रिविजन कर रहे हैं खैर सो ट्वेंटी ट्वेंटी सही आंसर हो जाएगा और मध्य प्रदेश कह रही हूँ मिजोरम के साथ कौन सा हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश है ना अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश है ना अरुणाचल प्रदेश हो जाता है तो इन दोनों का जो स्टेटहुड डे है 20 फरवरी को ईयर दोनों का सेम है ये अच्छी बात है 1987 है ना चलिए सो so, 1987 में और अभी रिसेंटली दोनों का स्टेटहुड को हम लोग वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस भी मनाते हैं ठीक है है तीन दिन है आपके जो 20 फरवरी को पढ़ते हैं ध्यान रखेंगे अरुणाचल प्रदेश का बेसिक पोस्टन आपको पता है सीएम गवर्नर कौन है अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर कौन है अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर कौन है है ना अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर कौन है और मिजोरम के गवर्नर कौन है चलो दोनों राज्यों के गवर्नर मुझे एक बार फटाफट से बता दो दोनों राज्यों के गवर्नर कौन हो जाते हैं हम्म केटी पर नायक हो जाते हैं यस अरुणाचल प्रदेश के और, और नु नू नू दरबार नॉट पीमा खांडू गवर्नर पूछ रही हूं मैं गवर्नर मिजोरम के कौन है सीएम है उसके अरुणाचल प्रदेश के पेमा खांडू और यहाँ पर कौन हो जाते हैं गवर्नर मिजोरम के मिजोरम के गवर्नर कौन है हरि बाबू खम्बम पति हैं हरि बाबू खम्बम पति है ना हरी बाबू हो जाते हैं है ना हरी बाबू खम्बम पति हो जाते हैं ठीक है, है? चलो और सीएम तो लालदू होमा है अभी कुछ दिन कुछ वक्त पहले ही जो है चुने गए हैं आगे आते हैं उर्दू साहित्य के लिए फिफ्टी ज्ञानपीठ पुरस्कार से जो है इसके लिए किसे चुना गया है प्राप्तकर्ता के तौर पर उर्दू साहित्य की अगर बात करते हैं तो बोला गया है कि इसके लिए 58 एट ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है गुलजार रामभद्राचार्य दोनों या फिर दामोदर मोजो सही आंसर क्या हो जाएगा सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे गुलजार कुछ बच्चे लिख रहे हैं और <coughs> चलो जो बोथ लिख रहे हैं वो गलत हो जाएगा क्योंकि मैंने आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि उर्दू साहित्य के लिए किसे चुना गया है ना तो अगर मैं उर्दू साहित्य पूछ रही हूँ तो उर्दू साहित्य के, के केस में आपका आंसर क्या हो जाएगा गुलजार अगर मैं संस्कृत साहित्य के बारे में पूछती हूँ तो संस्कृत साहित्य के लिए हो जाते हैं संस्कृत साहित्य के लिए कौन हो जाते हैं तो संस्कृत साहित्य के लिए हो जाते हैं रामभद्राचार्य सो so, प्रश्न के हिसाब से आंसर करना है प्रश्न के हिसाब से आंसर हो जाएगा गुलजार गुलजार है ना सो so, को उर्दू लिटरेचर के लिए और रामभद्राचार्य को संस्कृत लिटरेचर के लिए फिफ्टी एट साल का जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है उसके लिए चुना गया है ना ज्ञानपीठ पुरस्कार हमने पढ़ा है कि ये पुरस्कार जो है सबसे पहली बार कब दिया गया था नाइनटीन में दिया गया था और ये किसे दिया गया था जी शंकरा कुरुप को जो है सबसे पहला जो है ये पुरस्कार पुरस्कार ज्ञानपीठ दिया गया था 22 भाषाओं में भारत की जो 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं उसमें जो है जो भी काम किया है राइटर्स ने मतलब लिटरेचर के क्षेत्र में उसके लिए ये पुरस्कार दिया जाता है प्लस यहाँ पर इंग्लिश में भी दे दिया जाता है ठीक है सो so, इंग्लिश हमारे ऑफिशियल लैंग्वेजेस में से नहीं है तो इंग्लिश अलग से इसीलिए लिखा है राइट सो फिफ्टी एथ जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो दो लोगों को मिला है एक को उदू साहित्य के लिए एक को संस्कृत साहित्य के लिए ध्यान रखेंगे गुलजार को कई सारे अवार्ड आपके दिए जा चुके हैं राम भद्राचार्य भी आपके बहुत ही जाने माने हैं इनको भी कई भाषाएं आती हैं संस्कृत साहित्य के लिए इन्होंने भी कई किताबें लिखी हैं तो इन दोनों को ज्ञानपीठ पुरस्कार इस साल के लिए इनको चुना गया है राइट यस राशि कितनी हो जाती है ग्यारह लाख रुपए की राशि इसमें साथ साथ में दी जाती है भारत का सबसे साहित्यिक पुरस्कार अगर कोई है तो वो है ज्ञानपीठ पुरस्कार है ना राजन तुम्हें भूख लग रही है तो तुम सबको क्यों भूख लगवा रहे हो सबको पढ़ने तो चुपचाप चलो तो यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए गुलजार सही आंसर होगा कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात विकास प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष की गई थी थोड़ा सा ही बचा है अब है ना फिर रैपअप हो जाएगा सेशन तो थोड़ी देर और बर्दाश्त करो थोड़ी देर और पढ़ो आराम से चुपचाप चलो सो so, एपेडा की अगर बात करते हैं तो कब स्थापित हुआ है एपेडा सही उत्तर क्या हो जाएगा हम्म फटाफट -फट्ट से देखो भूख तो मुझे भी लगी है पर पढ़ाई तो करनी पड़ेगी ना पढ़ लो चुपचाप हम्म सही आंसर क्या हो जाएगा 1986 वेरी गुड बिल्कुल सही 1986 सही आंसर होगा एपेडा के बारे में हमने पढ़ा था न्यूज क्या थी कि मतलब एपेडा तो चर्चा में ही रहता है बेसिकली क्योंकि हमारे जो कृषि उत्पाद है वो एक्सपोर्ट किसके द्वारा किए जाते हैं उसकी देखरेख एपेड़ा ही करता है तो हमने पढ़ा था कि रशिया में पहली बार जो है भारत की तरफ से बनानास का केलों को एक्सपोर्ट किया गया है उनको निर्यात किया गया है तो वहां हमने एपेडा के बारे में पढ़ा था सो so, एपेडा की बच्चे अगर हम बात करते हैं तो एपेड़ा के हेडक्वार्टर्स कहां पर हो जाते हैं इसके हेडक्वार्टर्स हो जाते नई दिल्ली में, साथ साथ में तो तो अभिषेक देव जो है वर्तमान में इसके क्या है इसके चेयरपर्सन हो जाते हैं है और अच्छा ये बता दो कौन से अंडर विच मिनिस्ट्री कौन से मिनिस्ट्री के तहत आता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कौन से मंत्रालय के तहत आ जाता है एपिडा <coughs> तो कौन सा मंत्रालय आ जाता है वेरी गुड शिबा मंत्रालय आ जाता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री आ जाता है है ना सो so, ऑप्शन डी 1986 एटी सिक्स यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा आगे आते हैं हाल ही में खबरों में रहा एजियाओ क्या है दवा फूल जानवर या फिर खेल तो ये तो पता है आप लोगों को एजियाओ हमने पढ़ा था तो एजियाओ क्या है किस चीज से जुड़ा हुआ है एजियाओ क्यों था चर्चा में बेसिक आपको पता है सही आंसर क्या हो जाएगा मेडिसिन है है ना कहां से ली जाती है मेडिसिन? किससे ली जाती है ये मेडिसिन सो मेडिसिन की बात करें तो ये मेडिसिन थी जो चर्चा में थी एजियाओ मेडिसिन है दवाई का नाम है और ये जो है कहां से डंकीस की स्किन से जो है गधों की स्किन से जो है ली जाती है <coughs> है ना? तो सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए मेडिसिन हो जाती है आगे आते हैं खजुराहो नृत्य महोत्सव का मेजबान कौन सा राज्य रहा महाराष्ट्र मध्य प्रदेश यूपी या फिर गुजरात सो so, हमने यहाँ पे पढ़ा था कि खजुराहो डांस फेस्टिवल हर साल कहां पर होता है पहले तो ये बताएंगे है ना इस साल फिफ्टी पचासवा संस्करण जो है संस्करण आपका आयोजित किया जा रहा है कहां पर किया जा रहा है खजुराहो कहां है है भाई सिंपल सा आंसर so, मध्य प्रदेश में डांस फेस्टिवल आपका आयोजित किया जाता है यहाँ पर कथक कुंभ भी हुआ है यानी कि यहाँ पर जो है ना गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बन गया है सबसे ज्यादा कथक आर्टिस्ट ने एक साथ यहाँ पर परफॉर्मेंस दी है तो यहाँ पर कथक तो कुंभ भी आपका हुआ है कुंभ है ना तो uh, वो यहाँ पर क्या है प्रस्तुत किए जाते हैं तो खजुराहो के पास मध्य प्रदेश में आयोजित किया जाता है आगे आते हैं रायजना डायलॉग के मुख्य अतिथि किस देश के प्रधानमंत्री थे और प्रधानमंत्री का नाम भी आप लोग मुझे साथ साथ में बताएंगे तो राइजिना डायलॉग अभी हाल ही में हुआ है बोला है कि कौन से भाई देश के पीएम जो है वो आए थे और चीफ गेस्ट रहे थे यहां पर तो यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा ग्रीस यस ग्रीस हो जाता है सो so, ग्रीस के जो है ना फोटो देख ली बस थोड़ी सी और पीएम मोदी लिखना शुरू हो गए सब यहां पर आंसर क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा ग्रीस यस ग्रीस के पीएम कौन बताए थे बच्चे ग्रीस के पीएम जो विजिट पर भी थे तो यहां पर अगर बात करें कैपिटल एथेंस हो जाती है वेरी गुड और कौन से कौन हो जाते हैं किरियो किरिकोस मित्सोटाकिस है ना क्रियाकोस मित्सोटाकिस जो है

इंडिया की रैंक भी साथ साथ में बताएंगे इंडिया कौन से स्थान पर रहा है लास्ट पोजीशन पर तो रहा है अफगानिस्तान है ना और यहाँ पर 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 टॉप टॉप किसने किया किया है तो किया है यहाँ पर पर है तो नॉर्वे ने सेकंड पोजीशन रहा न्यूजीलैंड राइट भारत कौन से स्थान पर रहा है इंडिया की क्या पोजीशन रही है वेरी गुड इंडिया का स्थान जो बताया गया है इंडिया को कहा गया है फोर्टी पोजीशन पर इंडिया को रखा गया है फोर्टी पोजीशन पर और इंडिया को इसी के साथ साथ में फ्लॉड डेमोक्रेसी में रखा गया है यानी कि यहाँ पर जो लोकतंत्र है क्या है वो पूरी तरीके से नहीं है है ना पूरी तरीके से लोकतांत्रिक नहीं है डेमोक्रेसी नहीं है फ्लॉड है डेमोक्रेसी ऐसा कहा गया है इस इंडेक्स में ईआईयू के द्वारा इंडेक्स जारी किया गया है नॉर्वे फर्स्ट पर है लास्ट हो जाता है आपका वन सिक्सटी फर्स्ट पोजिशन पर अफगानिस्तान हो जाता है लास्ट पोजिशन पर अफगानिस्तान हो जाता है तो सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए नॉर्वे सही उत्तर हो जाता है

बोला गया है कि 62 टू डेस्टिनेशन जो है भारत इसके पासपोर्ट है, पास, तो है, है अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस जो है वो कब मनाया जाता है 19, बीस इक्कीस या फिर बाईस फरवरी मदर लैंग्वेज डे की अगर हम बात करते हैं तो हर साल कब मनाया जाता है और कौन से देश के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी कौन से देश के द्वारा शुरुआत जो है इसकी की गई थी तो आंसर क्या हो जाता है यहाँ पर 21 फरवरी को यस yes, पूनम कुशवाहा यस yes, रेखा ऑप्शन सी ट्वेंटी फर्स्ट ऑफ फेब्रुवरी सही आंसर हो जाता है वेरी गुड बच्चे प्रदीप यस yes. अगर बात करें तो किसके द्वारा शुरुआत की गई है सुजाता बिल्कुल सही लिखा है बांग्लादेश है ना बांग्लादेश के द्वारा क्या है इसकी शुरुआत की गई थी तो बांग्लादेश ही वो नेशन था जो गया था और कहा था कि इस तरीके का दिन मनाना मनाया जाना चाहिए क्योंकि बांग्लादेश में प्रोटेस्ट हुए थे आपके भाषा को लेकर ही तो मातृभाषा दिवस जो है आपका हर साल इक्कीस फरवरी को ही मनाया जाता है साल दो को जो है पहली बार फर्स्ट आपका ये दिन जो है वो मनाया गया यूनेस्को के द्वारा क्या है इस दिन को मनाया जाता है so, सही आंसर हो जाता है। अनुष अग्रवाल कौन से खेल से संबंधित है जिसमें उन्होंने पहली बार पैरिस ओलंपिक कोटा जो है वो हासिल किया है अनुष अग्रवाल अभी हाल ही में जो है पहले ऐसे आपके व्यक्ति बने हैं जो इसमें से एक स्पोर्ट्स डिसिप्लिन में पहली बार भारत की तरफ से ओलंपिक्स में भाग लेने जा रहे हैं है ना तो कौन सा हो जाएगा वेरी गुड कौन सा हो जाएगा ड्रेसेज हो जाएगा ड्रेसेज डिसिप्लिन जो आपका घुड़सवारी से संबंधित है हॉर्स राइडिंग से संबंधित है तो यहां पर अनुज अग्रवाला अग्रवाल हो जाते हैं जिन्होंने पेरिस ओलंपिक्स में जो है भाग लेने वाले हैं और इस डिसिप्लिन में आपको पहली बार कोई इंडियन दिखेगा पार्टिसिपेट करता हुआ तो ये हिस्टोरिक है ऑफकोर्स आपको पता होना चाहिए <coughs> आगे आते हैं एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने कितने मेडल्स जीते हैं सो so, अभी एशियन एथलेटिक्स इंडोर चैंपियनशिप समाप्त हुई थी हमने पढ़ा था कहां पर हुई थी ये ईरान में जो है ये समाप्त हुई है इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं तो यहां पर भारत ने कितने मेडल्स जीते हैं भारत ने चार मेडल्स यस मिस्टर परफेक्ट यस सिमरन सही आंसर क्या हो जाएगा चार पदक यहां पर भारत ने जीते हैं है ना फोर मेडल्स इंडिया ने जीते हैं जिसमें से तीन आपके गोल्ड मेडल हो जाते हैं और एक सिल्वर मेडल हो जाता है और इसके साथ साथ भारत कौन से पोजिशन पर था भारत था फिफ्थ पोजिशन पर है ना चार मेडल्स के साथ भारत फिफ्थ पोजिशन पर था है ना तो यहाँ पर एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप आपके अभी हाल ही में एशियन एथलेटिक्स एसोसिएशन के द्वारा होस्ट ए गए थे दो के प्रतिष्ठित जीडी बिरला पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है नीना गुप्ता सोमनाथ, अदिति सेन या फिर प्रदीप। तो सही आंसर क्या हो जाएगा तो सही आंसर हो जाएगा अदिति सेन डे। वेरी गुड कौन से फील्ड में रिसर्च करने के लिए मिला है जीडी बिरला पुरस्कार इनको फील्ड पूछ रही हूं मैं एग्जैक्ट है ना कौन सी फील्ड में रिसर्च करने के लिए इनको जीडी बिरला पुरस्कार दिया गया है जीडी बिरला पुरस्कार में पांच लाख रुपए की राशि दी जाती है साथ-साथ में ही पुरस्कार जो है ना रिसर्च के लिए दिया जाता है ऐसे साइंटिस्ट को जो कि 50 वर्ष से कम के होते हैं है ना वेरी गुड बीएस बच्चे किस कौन से क्षेत्र में फिजिक्स में बच्चे साहित्य नहीं होगा फिजिक्स होगा साइंस के लिए पुरस्कार आपका दिया जाता है तो अदिति सेन डे जो है आपकी हो जाती हैं जिनको ये पुरस्कार अभी हाल ही में दिया गया है पहली महिला है जिनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है इसके साथ साथ पहली महिला है जिनको एसएसबी पुरस्कार से भी यानी कि शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है तो ये दोनों ही अवार्ड आपके साइंस के बहुत इंपॉर्टेंट है आगे आते हैं निम्नलिखित में से कौन सा जो है ना भारत सॉरी विश्व का तीसरा सबसे ज्यादा डिजिटलाइज देश कौन सा है कल ही एक दो सवाल और बचे हैं है ना तो पर अगर बात करें तीसरा सबसे बड़ा डिजिटलाइज्ड कंट्री कौन सा हो जाता है तो इंडिया हो जाता है बिल्कुल सही है ना हमने पढ़ा था इंडिया हो जाता है और इंडिया में भी कौन सा स्टेट है आपका जो यहां पर टॉप पे बताया गया है इक्रियर इंस्टीट्यूट के द्वारा रिपोर्ट आपकी लॉन्च की गई थी है ना यहां पर अगर बात करें तो स्टेट कौन सा हो जाता है जो टॉप पर है तो सही उत्तर क्या हो जाएगा कर्नाटक है ना? कौन सा हो जाएगा कर्नाटक हो जाता है तो उत्तर सही क्या हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी आगे आते हैं सरलम्बा जतारा फेस्टिवल जो है कौन सा राज्य जो है सेलिब्रेट करता है एशिया का सबसे बड़ा ट्राइबल फेस्टिवल हो जाता है कौन सा राज्य करता है इसको होस्ट का तो आंसर क्या हो जाएगा साक्षी वेरी गुड बिल्कुल सही आंसर दिया है अनोन तेलंगाना वेरी गुड तो से क्या हो जाएगा तेलंगाना में जो है आपका ये जोतारा फेस्टिवल जो है वो मनाया जाता है मेजोरिटी सॉरी ज्यादातर जो है कोया ट्राइब के द्वारा ये पुरस्कार सॉरी ये जो आपका फेस्टिवल है ये उत्सव जो है ये मनाया जाता है, है ना सो तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी तेलंगाना पेंगोंग जमी हुई झील मैराथन का मेजबान कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है या था क्योंकि हो चुकी है ये मैराथन है आपकी कहां पर हुई है पैंगोंग से ही याद आ जाना चाहिए क्योंकि पैंगोंग सो लेक कहां पर पड़ जाता है लद्दाख में पड़ जाता है तो लद्दाख सही आंसर हो जाता है यस 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 सुमन काल की दीपक बच्चे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लद्दाख है ना तो इसका गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है ये लद्दाख के पास की इतनी ऊंचाई पर जो है आ, आपकी मैराथन करवाई जाती है जमी हुई झील के पास करवाई जाती है यस दरबार इक्कीस किलोमीटर की पिछले साल करवाई गई थी इस साल दो अलग अलग रखी गई थी तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा सेकेंड एडिशन इस साल हमें दूसरा संस्करण साल 2024 में जो है हमें देखने को मिला है है ना सो ऑप्शन सी लद्दाख आपका सही उत्तर हो जाता है और आ जाते हैं सेंट्रल एक्साइज डे कब मनाया जाता है 24, 23, 22 या फिर 26 फरवरी को है ना तो कब मनाया जाता है आपका ये डे कल ही पड़ा है हमने सही आंसर क्या हो जाएगा 24 फरवरी को मनाया जाता है ठीक है यस ट्वेंटी फोर्थ ऑफ फेब्रुवरी आपका सही आंसर हो जाता है है ना सेंट्रल एक्साइज और सॉल्ट एक्ट जो है आपका यहां पर याद किया जाता है 1944 का ठीक है चलिए <laughs> तो आपके आज के सेशन में इतना ही था चलिए तो आपके आज के सेशन में इतना ही था और जाते जाते मैं आप लोगों को इन्फॉर्म करना चाहूंगी कि आप लोगों के साथ आज मेरी लास्ट क्लास थी और जून से मैंने आपको यूट्यूब पे पढ़ाना शुरू किया था करंट अफेयर और आप सब लोग रोज आते थे क्लास में रोज मेरे साथ जुड़ते थे तो फिलहाल के लिए मेरे साथ जो सीए का जो ये सफर था जो जर्नी थी आप लोगों की वो फिलहाल के लिए यहीं तक थी और आज लास्ट क्लास है आई होप अभी तक का जो रिवीजन रहा फेबर का आपका वो हो गया होगा है ना और यही उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे साथ सी ए पढ़ने में मजा आया होगा अभी तक जितना भी सी आपने मेरे साथ पढ़ा है आपको समझ आया होगा हर क्लास में मेरी कोशिश यही रहती थी कि आप जो चीज पढ़ रहे हो हर सवाल जो पढ़ रहे हो वो आपको पता हो है ना <coughs> तो आपके साथ ये जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग थी बहुत मजेदार थी मुझे आप लोग आप सबके साथ बहुत मजा आया है ना हर स्टूडेंट रोज रोज आते थे और मुझे रेगुलर स्टूडेंट्स के नाम बहुत अच्छे से याद हैं और बहुत प्यार से आप लोग सब बात किया किया करते थे तो ऑफ कोर्स आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया और चाहते <coughs> जाते ये बोलूंगी कि, कि करंट अफेयर्स बिल्कुल नहीं रुकने चाहिए हर एग्जाम की जान होते हैं करंट अफेयर करंट अफेयर बिल्कुल मत छोड़ा करो क्योंकि देखो सीए जब तक नहीं पढ़ोगे ना जब तक यही नहीं पता होगा कि आसपास क्या हो रहा है तब तक पेपर देने का मतलब ही नहीं बनता तो सीए के साथ हमेशा जुड़े रहना है न्यूज़पेपर पढ़ना है केजीएस के सभी प्लेटफॉर्म्स पे सीए आपको टीचर्स पढ़ाते हैं एसएससी में बात करें तो आपको शिवम सर पढ़ाते हैं बैंकिंग में बात करते हैं तो आपको यादवेंद्र सर पढ़ाते हैं यूपी के चैनल पर सर यादवेंद्र सर रोज सुबह लाइव आते हैं डिफेंस के चैनल पर आर्या मैम पढ़ाती है आपको डेली न्यूज पेपर करवाती है तो आप सब लोग तो वहां से जो है करंट करंटेयर बिल्कुल कर सकते हैं सीए पढ़ाने में और मैं आप लोगों को कहीं ना कहीं दिखती रहूंगी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल गायब हो रही हूं आप लोगों के साथ जुड़ी रहूंगी और यही उम्मीद करती हूं कि आपको मेरे साथ भी उतना ही मजा आया होगा सीए पढ़ने में ना चलिए आज के सेशन में इतना ही था अब uh, फिर कभी मिलेंगे फिलहाल के लिए नो होमवर्क एन्जॉय टेक केयर बाय